हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार आपके सामने फिर से आ गया और जहां हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और डीजी मेंटो आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। किसी भी स्टडी के लिए आप यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और इजीली कोई भी टॉपिक को आराम से समझिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशंस है उनको समझा और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में किस किस जो महान व्यक्ति होते ना, बहुत फेमस व्यक्ति की, कौन व्यक्ति क्या बात कहता है, किस व्यक्ति की अवधारणा क्या है कम्युनिकेशन को लेकर के, हमने इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया, ठीक है। और उसमें किसकी क्या विशेषता है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम संप्रेषण के भेद, ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए बेसिकली जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, टाइप वन टाइप टू। कम्युनिकेशन जो है वो टू टाइप्स का है। पहले में आएगा आपका औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण, ठीक है। सेकंड जो है उसमें आएगा आपका प्रवाह के आधार पर संप्रेषण, ठीक। तो इस प्रकार से हम जो संप्रेषण है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रवाह के आधार पर संप्रेषण। अब हम इनको डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या है, ठीक है। औपचारिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको समझेंगे, अनौपचारिक में क्या क्या डिफरेंस है वो समझेंगे, और जो प्रवाह के आधार पर बात कर रहे हैं इनको समझेंगे। देखिए जो अधिकारी व कर्मचारी आपसे संबंध के आधार पर बात करते हैं, ठीक, यहाँ पे समझ लीजिए। जो आपका पहले वाला ये जो है इसमें जो अधिकारी होंगे ठीक, अधिकारियों व कर्मचारियों, इनके संबंध के आधार पर यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक। क्योंकि जो औपचारिक और अनौपचारिक जो चीज़ें हैं वो अधिकारी और कर्मचारियों के बीच का संबंध है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी के बीच में ही कम्युनिकेशन होते हैं। और सेकंड जो प्रवाह है, प्रवाह किसी भी टाइप का हो सकता है। आप कहते हैं ना कि प्रवाह बहती है, अब प्रवाह तो कैसे भी, ये प्रवाह देखिए आप ऊपर की तरफ भी जा सकती है, प्रवाह आपका डाउन भी जा सकती है, ठीक है, आपकी प्रवाह ऐसे भी जा सकती है, आपकी प्रवाह ऐसे भी जा सकती है। तो इसका जो रास्ता है जाने का वो कैसे भी हो सकता है, ठीक। तो इसको भी हम समझेंगे कि अपवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है, इन थ्योरीज को भी हम समझेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए प्रवाह के आधार पर क्या होगा, एक तो या तो ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, एक दिशा में जाने वाली है, जैसे राइट वे हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ठीक। तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे जो ऊपर जाने वाली प्रवाह होगी, ये वाला जो है, मान लीजिए मैं साइन बनाता हूँ कि ऊपर जाने वाली प्रवाह है, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऊपर जाने वाली जो प्रवाह होगी उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, ठीक। उसके बाद आता है नीचे डाउन, और जो ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण है इसको हम एक और चीज कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद होता है आपका
डाउनवर्ड, जिसको हम कहते हैं अधोमुखी, अधोमुखी संप्रेषण, अधोमुखी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया नीचे तरफ आया था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका एक हो गया क्षैतिज संप्रेषण, ये हो गया तीसरा आपका। क्षैतिज को हम ऐसे बोल सकते हैं, इस तरह से जा रहा है मान लीजिए, ठीक, जैसे ये एरो भी एक ऐसे मान लीजिए, तो इसको हम क्षैतिज संप्रेषण, इसको हम बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, कम्युनिकेशन। या फिर इसको हम एक और चीज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ में, एक और नाम इसको हमने दिया हुआ है, वो है साइडवर्ड कम्युनिकेशन। इसी का नाम है ये भी, ठीक है, क्षैतिज संप्रेषण का। क्योंकि क्षैतिज संप्रेषण जो है वो कैसे भी हो सकता है, कैसे भी का इसमें अर्थ क्या है, ये इधर की तरफ भी बढ़ सकता है, ये इधर की तरफ भी बढ़ सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ठीक, हॉरिजॉन्टल वे में किसी भी तरीके से आप इसको मान सकते हैं, कैसे भी जा सकता है। एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, वो कितने प्रकार के हो गए आपके, दो प्रकार के। पहला प्रकार आपका कौन सा हो गया, इसमें औपचारिक कम्युनिकेशन। औपचारिक कम्युनिकेशन में एक हो गया अनौपचारिक कम्युनिकेशन, ठीक है, ये फर्स्ट में ही आ गए दोनों, औपचारिक के विपरीत अनौपचारिक कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं ना, उनके बीच की बात होती है सारी की सारी, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए, वैसे तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह अधिकारी और कर्मचारियों के बीच की बात है, ये किसी के बीच की बात भी हो सकती है जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, लेकिन मैं भी एग्जाम्पल आपको एक अधिकारी कर्मचारी का देके चलूंगा, ठीक है, एक ऑफिसर हो गया और एक उसका जो असिस्टेंट हो गया वो हो गया, फिर कोई जूनियर हो गया, सब जूनियर हो गया, उनका मैं एग्जाम्पल आपको देके चलूंगा, तो उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आई कम्युनिकेशन कैसे होता ऑफिस में उसके हिसाब से। और अगला जो हो गया वो हो गया आपका क्या, प्रवाह के आधार पर कम्युनिकेशन। जो प्रवाह के आधार पर कम्युनिकेशन है उसे मैंने आपको ये बताए थे, ठीक है, ऐसे कैसे भी जा सकता है, और उसके बारे में लिखा भी, देखिए मैंने ऊर्ध्वमुखी का संप्रेषण जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। उसके बाद में आपका आता है अधोमुखी संप्रेषण, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर आ गया क्षैतिज संप्रेषण हॉरिजॉन्टल, और इसको एक और नाम दिया गया साइडवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल के आधार पर ही साइडवर्ड का निकल के आता है, आप जानते हैं ना हॉरिजॉन्टल वे, ये वो तो आप पढ़े लिखे हम जानते होंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, इनको एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले वाला डिस्कस करते हैं हम लोग, इसमें पहले वाला है हमारा औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण, ठीक है। इसको हम एक और चीज जैसे मैं लिख देता हूँ इसको, कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, समझते हैं क्या है। देखिए, ये सूचना का प्रवाह संगठन है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि उच्च स्तर से नीचे की ओर आता है हमेशा। कहाँ आएगा, जो ये वाली मान लीजिए आपका उच्च स्तर है, यहाँ से हमेशा नीचे की ओर आएगा, नीचे स्तर की ओर हमेशा ऐसे चलेगा, उच्च स्तर से नीचे स्तर की ओर आएगा। क्यों, अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि
अधिकारी और कर्मचारियों के बीच का कम्युनिकेशन। अब सोचिए जरा, कोई अधिकारी है, जैसे ऑफिसर हम इसको बोलते हैं। अब एक बार सोचिए, जो ऑफिसर है ये क्या करेगा, ये अपने जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको ऑर्डर देगा हमेशा, ठीक है। कर्मचारी जो हो गए इनको ऑर्डर देगा, ये बीच में पार्टम करते ना ऑर्डर, ठीक। अब ये इनको ऑर्डर देगा तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, औपचारिक और अनौपचारिक में, अधिकारी से ऑफिसर की तरफ आ रहा है, आज्ञा पालन की बात है। अब क्या जो कर्मचारी है वो अपने ऑफिसर की आज्ञा पालन करने से मना कर सकता है? संभव नहीं है। ऑफिसर ने जो बोला उसको करना है, ठीक। तो ये एक प्रकार का संप्रेषण हो गया। इसमें क्या है, देखिए, जो उच्च अधिकारी होगा वो अपने नीचे के अधिकारियों को सूचनाएं देगा। सूचना क्या, सूचना को ऐसा नहीं है कि सूचना में बोलेगा भाई अच्छा ये चीज है वो चीज नहीं, वो एक ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, बोलेगा भाई ये चीज करनी है, ये काम करना है। मान लीजिए ये एक अधिकारी है, ठीक है, और इसके साथ में इसके नीचे यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा बनाया था, ज़्यादा तो चार पांच लोगों का, ठीक है, ये स्टाफ है। अब सोचिए कि जो ऑफिसर है इसने क्या किया, इसने एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर पास किया, ठीक है, कि भाई आपको ये काम करना है। इसने जो ऑर्डर दिया वो दिया इस आदमी को ऑर्डर, ठीक, कि भाई आपको ये वाला काम जो उसने दिया वो करना है इस आदमी को। अब करने के लिए तो बोल दिया, क्या ये आदमी अपना काम का ऑर्डर इसको दे सकता है कि भाई आप कर लो, या आप कर लो, या फिर आप कर लो, ऐसा कर सकता है? एक कंडीशन आ जाएगी, चलिए वो है कि दोस्ती यारी वाली, वो एक बात अलग हो जाती है कि दोस्ती यारी में सर कर ले ये वो, लेकिन वो चलता नहीं है ऑफिशियली, ठीक है। जब ऑफिशियली बात होती है, जब अधिकारी अपने काम के बारे में पूछेगा कि मैंने आपको एक काम दिया था उसका क्या हुआ, तो जवाब वो इस पर्सन से मांगेगा। यही नहीं कि वो बोलेगा कि अच्छा आप बताओ मैंने काम दिया था इसको, ऐसा कभी सुना आपने कि वो बोले कि मैंने इसको काम दिया था आप उसका मुझे आंसर दो? वो कहेगा सर क्या बात कर रहे हो, आपने मुझे कोई काम दिया नहीं तो मैं आंसर कैसे दे सकता हूँ आपको, आपको उस काम का आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ? अब अधिकारी क्या बोलेगा, अच्छा मजाक कर रहे हो मुझसे, मैंने काम दिया मुझे नहीं पता, आपको लेकर के आना है वो। अब क्या ये इसका ऐसा कम्युनिकेट करे कि जाओ भाई उसको कम्युनिकेट करो? रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जो ये ऑफिसर है इसने इस बंदे को काम दिया है, ठीक, तो वो इसी बंदे से काम के बारे में पूछेगा। ये बंदा किसी को ट्रांसफर कर रहा है, इनकेस कर रहा है, तो अब देखो सब कुछ यही समझ में आता है, अगर ये किसी को ट्रांसफर कर रहा है यानी कि एक लाइन में ट्रांसफर कर रहा है तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल वे है, उसको अभी हम आगे और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। कर तो हॉरिजॉन्टल वे में रहा है, साइडवर्ड में कर रहा है, और यहाँ क्या आपका डाउनवर्ड भी दिख रहा है आपको, ठीक। तो क्या है, लेकिन हम केवल यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक की बात करेंगे। तो इस प्रकार चलता है लिंक। अब देखिए एक और बात यहाँ रहेगी कि जो इसने इस व्यक्ति को काम दिया, ठीक है, जो भी काम दिया इसका एक फर्ज बन जाएगा अब कि ये जानता है कि भाई मेरे अधिकारी ने मुझे काम दिया। ये क्या करेगा, काम की जो रिपोर्ट बनेगी ये रिपोर्ट को वो किसको देगा, ऐसा तो नहीं किसी और को उठा कर दे देगा, वो इसी अधिकारी को वापस देगा। यानी कि ये जो व्यक्ति है ये इसी अधिकारी को काम की रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक। अब ये बोलता है भाई मेरे को रिपोर्ट किसी और से चाहिए, वो कहेगा सर संभव नहीं है क्योंकि काम आपने मुझे दिया है, रिपोर्ट तो मैं ही आपको दूंगा, ठीक है। तो उस काम के संबंध में जो भी नॉलेज होगी यही देगा। अगर सपोज दैट ये अधिकारी इसको ना देकर के इसको देता, मान लीजिए ऐसा देता, जहां देता कि भाई आपको मैं काम दे रहा हूं, तब क्या होता, तब इसकी जिम्मेदारी होती इस काम को जल्दी से पूरा करके रिपोर्ट अपने अधिकारी को वापस भेजे, कम्युनिकेशन ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई काम दिया किसी को और कर कोई और रहा है, वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं है किसी भी हाल में। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें आपको बस एक छोटी सी बातों का ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। जब आप उन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो उससे आपको
और इजी हो जाएगा सोचने के लिए। देखिए, और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हमेशा अपनी जो रोज मर्तबा की ज़िंदगी है उसमें आप करते रहते हैं, तो उसमें ऐसे कोई डरने वाली सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें ना कोई डरना है ना सोचना है इतना, बस जो काम है वो करते रहिए। अब देखिए इसमें क्या है, हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे, अभी हमने अनौपचारिक की बात कर ली, सॉरी औपचारिक की बात कर ली अभी हमने, अब हम बात करेंगे यहाँ पे अनौपचारिक की। ठीक है, तो अनौपचारिक संप्रेषण क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। संप्रेषण, ठीक, इसको हम डिस्कस करते हैं अब। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे विभिन्न व्यक्तियों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण जैसा संबंध है, तो इसमें क्या होता है, इसमें संप्रेषण प्राय प्रत्यक्ष एवं मौखिक होते हैं। देखिए होगा वही कि एक ग्रुप बना दो, मतलब एक व्यक्ति ने आपको काम दिया उठा करके, ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है। अब वो ग्रुप कैसे भी होता है, ऑफिस में स्टाफ का ग्रुप हो सकता है या फिर आप मित्रों का ग्रुप हो सकता है। ऑफिस में भी होते ना भाई, हम एक दूसरे के दोस्त बन गए और सबका साथ निभाते हुए ना, सबका साथ सबका विकास, तो उसके बेस पर भी काम चलता है। ठीक है, अब ये ग्रुप बन गया, यहाँ मैत्रीपूर्ण संबंध वाली बात है, इसने काम दिया चलो भाई इसको काम दे दिया फिर से, ठीक है, इसको हालांकि सेकंड नंबर पर लेकिन काम बहुत मिल रहा है इसको, देख लो। ठीक है, ये मजाक की बात है, तो इसको काम मिल रहा है, अभी क्या करेगा। ठीक है, अभी दोस्ती यारी मैंने बोला थोड़ा मैं बिजी हूँ, मेरा काम आप कर दो, बोलेगा अच्छा चलो कर देते हैं। ये बोलेगा यार मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, तुम देख लो इस काम को, बोले ठीक है अगली बार तुम मेरा काम देख लेना। क्या हुआ, कम्युनिकेशन तो इनमें भी आपस में हो गया ना, यहाँ पे एक चारों में कम्युनिकेशन हो गया, ये हो गया एक मैत्रीपूर्ण कम्युनिकेशन। लेकिन क्या ये सही है, ये फॉर्मल तरीके से देखा जाए तो क्या ये सही है अवधारणा, ये गलत अवधारणा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनफॉर्मल वे। क्यों, क्योंकि ऑफिस के अकॉर्डिंग जब अधिकारी ने ऑर्डर पास किया तो जिसको ऑर्डर पास किया उसको ही काम करना है, जिससे काम में एक उम्मीद जगेगी। ठीक है, मतलब इक्वालिटी रहेगी, जो क्वालिटी बनेगी काम में वो ऐसे। अब देखिए सोचिए कि जब इन्होंने इसको काम दिया, ये सेकंड नंबर वाला जो बंदा ने इसको काम जब दे दिया, तब एक उम्मीद पे दिया काम, ठीक है, कि हाँ भाई इस बारे में जानता होगा या नहीं भी जानता होगा। अब अधिकारी जो है उसे तो पता है कि मान लीजिए इनका डिपार्टमेंट अकाउंट्स का होगा, इनका डिपार्टमेंट एडमिन का होगा, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है ये फील्ड का होगा, और ये डिपार्टमेंट हो गया जनसंचार का, मान लीजिए मास कम्युनिकेशन का, ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन का ये वाला हो गया। अब सबके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं और इन सबके ऊपर एक बॉस बैठा है जिनको सबको हैंडल करना है। अब उसे पता है कि अगर एडमिन का काम है तो मैं इस बंदे को दूंगा, सेकंड नंबर का बंदा एडमिन का काम देखता है मेरा, ठीक है, कह दिया उसने तो कि भाई आप ये काम करोगे, इसने कहा कि नहीं यार मैं बिजी हूँ तुम कर दो। अब अकाउंट वाला बंदा एडमिन का काम संभाले, सोचिए उसको प्रॉब्लम तो आएगी, या फिर जो फील्ड वर्क करवाता है या फिर मास कम्युनिकेशन जिसका एरिया है वो क्या करे, वो एडमिन का काम संभाले, तब क्या होगा, सीधी बात है क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए मैं हूँ, मैं आपको नेट का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आप बोलूँ अभी उठ करके नहीं मैं आपको नेट का नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊँगा, C++ में पढ़ाऊँगा, हालांकि मैंने पढ़ा है लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से वाली जो नहीं पढ़ा, तो क्या होगा, क्वालिटी मेरी ख़राब हो जाएगी। आप भी कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, करेक्ट है ना, मैं आपको फिलोसफी पढ़ाऊँ, मैंने फिलोसफी पढ़ी है तो मैं बहुत अच्छे से फिलोसफी पढ़ाऊँगा आपको। ठीक, तो जो काम कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे, तो ये वही वाली अवधारणा है बिल्कुल। अब इसको कहते हैं हम इनफॉर्मल वे, ठीक है, क्योंकि इनको पता है जब सेकंड वाले को काम दिया जाएगा तो वो अपने काम में पूर्ण रूप से लीन हो करके काम को भली भांति रूप प्रदान करेंगे। ठीक है, अब अगर यही काम ये करने लग जाए, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर तो यहाँ पाया लेकिन इसने ट्रांसफर कर दिया जगह की तरफ, तो बोला आप कर दो मेरे काम, उन्होंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा यार टेंशन मत लो अगली बार तुम मेरे संभाल लेना, काम तो वो हो जाएगा। ठीक है, काम वो हो जाएगा क्योंकि पता उसको भी काम कैसे करना है, लेकिन एक जो क्वालिटी वाली बात है, ठीक, एक जो एक्सपीरियंस वाली बात है
वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी कि हाँ भाई उतना मज़ा नहीं आएगा रिपोर्ट में। और उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है काम पे, कभी कभी होता है नुकसान हो सकता है, या किसी वो जो रिपोर्ट बनेगी उसके ऊपर बहुत सी जनता का आधार भी हो सकता है, तो उस पर भी असर पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो क्वालिटी है वो इफेक्ट करेगी, ठीक है, क्वालिटी मेजर इशू रहेगा यहाँ पर। तो कभी कभी इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनौपचारिक, इनफॉर्मल वे, कि आप जो काम यहाँ कर रहे हो, कम्युनिकेशन जो कर रहे हो, वो इनफॉर्मल हो गया, क्योंकि जो काम जिसको दिया गया वो उसने किया ही नहीं, किसी दूसरे को हैंड ओवर कर दिया। अब ऑफिसर यहाँ से रिपोर्ट मांग रहा है, रिपोर्ट का टाइम आ गया कि भाई मेरे को रिपोर्ट दीजिए, ये बोलेगा सर रुक जाइए, मैंने थोड़ा बीता, मैंने दूसरे आदमी को काम दिया है, मैं उसको पूछ लेता हूँ। अब सोचिए कि एक और कंडीशन ये बन जाएगी, इसने बोला अपने फ्रेंड को कि यार मैंने आपको काम दिया था वो हो गया, ये बोला यार नहीं यार मैं भूल गया वो काम करना ही, ये भी हो सकता भूल गया। अब यहाँ तो डेडलाइन थी कि आपको 5 दिन 4 दिन जो भी सोचेगी, इन्होंने बोला आपको 6 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करना है, मेरे को नहीं पता कैसे करूँगा, आप करोगे, बोला ठीक है, इन्होंने उठाकर उसको दे दिया। अब इन्होंने 5 दिन तो ऐसे निकाल दिए, कंप्लीट ही नहीं हुआ, वर्क पर ध्यान ही नहीं इनका कि वर्क भी मिला था मुझे कि मेरे फ्रेंड ने दिया था, क्या होगा उससे, एक दिन बचाया। अब जो रिपोर्ट 6 दिन में बननी थी वो 1 दिन में बनाई जाएगी, कैसी होगी, सोचने वाली बात है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने भी मित्रता निभाई और अपना जो काम इसने फ्रेंड ने दिया, ये बिजी अपने काम, इन्होंने क्या किया फील्ड वाले को ट्रांसफ़र कर दिया कि आप मेरा काम देख लो। और उन्होंने बोला यार रुक जाओ मैं ज़रा पता कर लूँ, मैंने भी किसी और को भेज दिया, वो भी चौंक जाएगा, भाई मैंने तुझे दिया, तूने किसी और को दे दिया, बहुत बढ़िया। तो कहेगा, अब ये बोलेगा यार रुक जा यार, तीसरा क्या बोलेगा, भाई रुक जा भाई मैं बहुत बिजी हूँ अपने काम में, मेरे को याद नहीं रहा, मैं बना दूंगा अभी 2 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। क्वेश्चनेबल है कि जो काम 6 दिन के लिए दिया गया उस रिपोर्ट को 2 घंटे में देने की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 6 दिन का टाइम दिया गया, 6 डेज का यहाँ टाइम दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ जो रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है उस रिपोर्ट को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक। अब जो रिपोर्ट 6 दिन में तैयार होनी थी, ये भाई साहब बोलते हैं उस रिपोर्ट को ये 2 घंटे में तैयार कर देंगे, 2 आवर्स। क्या होगा उस रिपोर्ट का, कोई क्वालिटी होगी, क्वालिटी मेजर इशू है आजकल, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, इसको पता है, दूसरी बात ये कि जो हम ये औपचारिक अनौपचारिक की बात कर रहे हैं, ये 2 प्रकार से हो सकती है। भी फर्स्ट होता है इसका क्या, लिखित में, कि आप किसी को काम लिखित में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कैसे होगा, देखिए आपने अपने बॉस, आपके बॉस ने आपको कुछ काम दिया, ठीक, बॉस ने काम दे दिया, बॉस आपको रिटर्न में काम दे रहा है, सपोज़ आप रिटर्न में काम दे रहा है, तो उसके बाद आपने क्या किया, एक रिक्वेस्ट की बॉस से कि सर मैं ये काम ट्रांसफ़र कर दूँ किसी को, मेरे को बहुत काम है रिटर्न में, बोलेगा बॉस रिटर्न में ही ट्रांसफ़र करना वरना आप जिम्मेदार हो, ठीक है, रिटर्न में यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इन्होंने फिर यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया रिटर्न में, तो ऐसे भी होता है। और एक होता है मौखिक, और आजकल मौखिक ज़्यादा चलता है क्योंकि लिखित में कोई लेना नहीं चाहता, कहते भाई फंस जाएंगे छोड़ पड़े, तो जो होता ना मौखिक, ये आजकल ज़्यादा चलता है, इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं मौखिक को, वो कहते हैं अलिखित, ठीक। ये जो चीज़ है इससे चलता है ज़्यादातर काम आजकल। अब क्या होगा मौखिक में, मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपने फ्रेंड को बोल दूँ कि यार ज़रा आके यहाँ पे क्लास ले लो, 10 मिनट के लिए मेरे को जाना है, आप पढ़ा लो, वो क्या होगा बाद में कोई बात हो गई, मैंने कहा मैंने थोड़ी बोलते जबरदस्ती खुद पढ़ा रहे थे, तो क्या होगा चीज़ बदल गई, ठीक है। तो जो बदलने वाली चीज़ होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए लिखित ज़्यादा माना जाता है। अब यहाँ पे देखो क्वालिटी इफेक्ट कर रही है, इसको आप एक और नाम से बुला सकते हो, ठीक, और वो नाम क्या होगा आपको, अंगूरी लता, क्या नाम बोला, अंगूरी लता, ठीक। अंगूरी लता कैसे, क्योंकि एक के बाद एक दूसरे जुड़े जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसा करके एक वो बना दीजिए, अब देखिए ये ऐसा होता है ना अंगूर, ऐसे होते हैं ना ऐसे एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, अंगूरों का गुच्छा आपने देखा होगा, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे गुच्छा बनता चला जाता है और बीच में एक डंडी सी होती है। अब भाई वो डिपेंड आपको पड़ता है कि आप काले अंगूर खा रहे हैं या लाल हरे अंगूर खा रहे हैं, लेकिन होता अंगूर का गुच्छा ऐसा ही है लिपटा हुआ आपने, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक तरह से कि अंगूर लता, क्यों, क्योंकि एक से काम दूसरे को, दूसरे काम तीसरे को, तीसरे काम चौथे को,
तो ऐसे चेन बना दी इन लोगों ने कि वन से ट्रांसफर हो सेकंड को, सेकंड ट्रांसफर हो थर्ड को, थर्ड से भी हो सकता फाइव को हो, फाइव से हो सिक्स को और सिक्स से हो फोर को, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक, इसमें कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली चेन चलनी चाहिए कि वन बाई टू, टू से थ्री, थ्री को फोर जाए, नहीं, आप वन वाला काम सीधा फाइव वाले को भी दे सकता है। ठीक, तो ऐसे ही हो सकता है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब इसमें हम जो हमारा ये औपचारिक और अनौपचारिक है ये तो हमने समझ लिया, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और देखिए जो ऑफिस हैं, ऑफिस में आप भी जानते हैं जो सबसे ज़्यादा बातें चलती हैं वो किस चीज़ चलती हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक अधिकारी जो है, एक जो ऑफिसर है आपका, वो ही ऑर्डर देगा अपने जूनियर को। ठीक है, जो नॉन ऑफिसर होगा उसको, और जूनियर को जो ऑर्डर वो देगा, ठीक, उसी पे काम होना है, वही काम करेगा। ठीक, ये आपका औपचारिक हो गया, एकदम फॉर्मल तरीका ये हो गया, और ऑफिस में यही फॉलो होता है। और जहाँ पर भी इनफॉर्मल तरीका फॉलो होता है वो तरीका क्या होता है, एकदम गलत, यानी कि काम के बिगड़ने की संभावना अत्यधिक मात्रा में देखी जाती है। अब इसको आप केवल ऑफिस से जोड़ के मत देखिए, इसको आप पर्सनल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। एक बार मैं पर्सनल लाइफ का भी आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। देखिए, आपकी एक लाइफ चल रही है, ठीक है, मान लीजिए आप एक ग्रुप में हैं, ये एक ग्रुप हो गया, और ग्रुप में आप ये बहुत सारे लोग हो गए, ये सब आपका फ्रेंड सर्कल है, कुछ ज़्यादा भी नहीं बनाया, इतना तो आजकल नॉर्मल होता है, किसी का व्हाट्सएप खोल कर देखो तो 100 से ऊपर नंबर नॉर्मल मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक फ्रेंड सर्कल बनाया। अब क्या होता है, इस फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए किसी को कोई जरूरत पड़ी, उसने एक काम बोला, यार मेरे को ये काम करवाना है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड करके वो काम बोल सकता है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे पता है कि मेरे लिए वो काम कौन कर सकता है, या फिर जिसका जो काम होगा उसे पता होगा कौन आपके ग्रुप में या फिर आपके रिलेटिव में, रिश्तेदार में ऐसा बंदा है जो वो काम कर सकता है। और आजकल तो यार देखो, सच्चाई तो ये है कि जो फ्रेंड सर्कल होता है उसी में काम ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, अब आपने उसको बोला पर्टिकुलर बंदे को, लेकिन किसी कारणवश वो बिजी है, वो क्या करेगा, अपने किसी और फ्रेंड को बोलेगा सर्कल में से, ठीक है, कि यार चल रुक जा, मैं अभी बिजी हूँ, मैं किसी और से पता करता हूँ, फ़ोन करेगा, हाँ भाई पता कर लिया। ठीक है, ये कंडीशन भी देखो कैसे हो जाती है, सपोज दैट कि आप एक लड़के हो, ठीक है, और लड़का ऐसा कर रहा है, तो ये होता है कि अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आप पर जान छिड़कता है, देखा है ना आपने कि तुरंत के तुरंत एक्शन लगा, अरे यार रुक जा, मैं भी अभी करता हूँ, ठीक है, या फिर वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, तो भी अभी के अभी, अरे अभी लो आप, कैसे नहीं होगा, मैं कहीं से भी खोद के निकालूंगा, लेकिन ये काम होगा आपका। ठीक, और कहीं अगर नॉर्मल फ्रेंड है, कोई नॉर्मल बात है, तब क्या होता है, यार मेरे से नहीं होगा, मैं जरा पता कर लूँ किसी और से, भले वो फ़ोन भी ना करे, हो सकता है ना, आपको क्या पता लग रहा है कि उसने फ़ोन किया या फिर किसी से कॉन्टैक्ट किया, नहीं किया, हो भी सकता है किया भी हो, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तो संभावना दोनों प्रकार की हैं। और वो क्या हो जाएगा, आपका एक सर्कल बनता चला जाएगा, ये जो सर्कल बनेगा, ठीक है, इसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक सर्कल, और फिर वही आ जाएगा, कौन सी बात है, अंगूरी लता वाली बात यहाँ पर आ गई। ठीक है, अंगूरी लता, अंगूरी लता वाली बात यहाँ पर आपको दिखाई देगी फिर से, और ये क्या हो जाएगा, एकदम इनफॉर्मल वे, काम मैंने आपसे बोला, आपने किया, मुझे बताया, किस्सा खत्म, फॉर्मल वे। ठीक है, काम मैंने बोला, आपने नहीं किया, किसी को ट्रांसफर किया, बार बार जगह जगह घूमता रहा, काम नहीं हो पाया, काम सर्वाइव किया, ये क्या हो गया, इनफॉर्मल वे। ठीक, शॉर्टकट, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक था ना, अब हम डिस्कस करेंगे प्रवाह के आधार पर, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे अब हम लोग। अभी हमने पहला डिस्कस कर लिया, अब सेकेंड हम डिस्कस करेंगे प्रवाह के आधार पर। ठीक, प्रवाह के आधार पर हम देखते हैं कि किस किस टाइप से कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। प्रवाह के आधार पर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्या, उनसे बताया था आपको, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवाह के आधार पर पहला देखते हैं हम अधोमुखी, अधोमुखी संचार क्या है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन।
इसको डिस्कस करते हैं। देखिए नीचे की ओर संचार डाउनवर्ड है, शब्द से ही समझ में आ रहा है डाउन, जहां डाउन होगा उसका मतलब क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। अधोमुखी यानी कि इसका जो मुख है वो नीचे की ओर होगा, प्रवाह जो होगा वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रवाह, प्रवाह नीचे की ओर, ठीक, नीचे की ओर इसका प्रवाह होगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए किसी भी व्यवसाय में नीचे की ओर संचार वह संचार होगा जिसमें सूचना का प्रवाह उच्च स्तरीय प्रबंध से निम्न स्तर की तरफ होगा। फिर वही बात आ जाती है, ठीक है। नीचे की ओर कैसे होगा, उच्च स्तर क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे उच्च स्तर होगा, ये उच्च स्तर, ठीक है, इससे क्या होगा निम्न स्तर की तरफ। अब देखिए उच्च स्तर से निम्न स्तर आ रहा है, उच्च स्तर पर आपका कौन होता है हमेशा अधिकारी, और निम्न स्तर पर कौन होता है आपका कर्मचारी, ठीक, हमेशा ऐसा डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रवाह नीचे की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से चलेगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ बढ़ेगा। अब यहां क्या होगा, यहां जो संगठन होगा, ठीक है, कोई संगठन भी हो सकता है यहां पर भाई, अधिकारी जो है उनका ग्रुप भी तो हो सकता है अधिकारी का, ऐसा तो नहीं कि अधिकारी सिंगल हो, ग्रुप भी हो सकता है, ठीक, और अधिकारी सिंगल भी हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में सिंगल देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ग्रुप भी होता है। तो कैसा भी हो लेकिन कर्मचारी जो है किसी सिंगल कर्मचारी को भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आप ग्रुप भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, देखिए समझिए, कुछ काम ऐसे होते हैं, मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो ऑफिसर है अधिकारी जो है उसने कुछ काम दिया कर्मचारी को, ठीक, अब उसको लगा ये काम जो है जो वो दे रहा है वो एक इंसान के लिए ठीक नहीं है, एक इंसान उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसमें एक टीम बननी चाहिए, सोचिए टीम बननी चाहिए, उसने क्या किया एक टीम बनाई, ठीक, ये जो टीम बना रहा है, अब इस टीम में उसने कहा कि भाई 10 इंसान होंगे इस टीम में, 10 इंसान के ऑफिसर होंगे सारे कर्मचारी ही, अब उसने इन 10 इंसानों को ये जिम्मेदारी दी, ठीक है, कि भाई आपको ये काम करना है। हुआ क्या, प्रवाह तो नीचे की ओर हुआ कि अधिकारी ने एक जिम्मेदारी दी 10 कर्मचारियों को। अब अधिकारी ऐसा भी कर सकता है कि वो टीम मेकिंग ना करके बोलेगा तो सिंगल आदमी काम है, तो क्या करेगा सिंगल किसी कर्मचारी को काम देगा सिंगल में, ठीक, और सिंगल में काम देगा वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई एक इंसान को ये काम देना है, तो जैसा काम होगा वो वैसे ही देगा, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करेगा वहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन को ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप खड़े होकर के कि अरे सर ऐसे कैसे आप मेरे को कैसे काम दे सकते हो, मैं तो अकेला नहीं करूँगा। अब मान लीजिए दोनों कंडीशन हो सकती है कि दो टाइप का काम हो गया, अधिकारी के पास दो प्रकार के काम है, ठीक है, जो अधिकारी है उसके पास दो प्रकार के काम है, एक काम जो उसके पास है वो है जिसमें उसको टीम बनानी है, एक प्रकार का काम ये हो गया, दूसरे प्रकार का काम, यहाँ पर उसको देखा काम ज़्यादा है तो उसने क्या किया यहाँ पे टीम की डिमांड की, भाई टीम बनाओ, और टीम में मेंबर कितने डाले उसने, मान लीजिए 12 मेंबर्स टीम में उन्होंने इंक्लूड कर दिए, ठीक। अब दूसरी वाली टीम, दूसरा वाला जो काम है वो कहेगा सिंगल आदमी काम है, तो यहाँ पे क्या है सिंगल आदमी चलेगा, या सिंगल आदमी चल रहा है, ठीक है। अब सिंगल आदमी चल रहा है तो यहाँ पे क्या है एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक व्यक्ति के लिए जगह, तो जब एक व्यक्ति के लिए जगह और एक तरफ टीम बन रही है, अब क्या होगा काम के अनुसार किसने डिसाइड किया, ये तो अधिकारी ने डिसाइड किया ना कि किसको क्या काम मिलना चाहिए या फिर किसका क्या काम हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी की जगह पर आप में से कोई खुद उठ के बोले कि नहीं सर मैं तो ये काम करूँगा, इन लोगों को डिमांड कर सकता है, ये हो सकता है कैसे संभव समझिए, कि ये जो पर्सन है यहाँ पर 12 इंसान है, ठीक है, अब 12 इंसानों को काम मिला तो क्या होगा कि काम किसी एक पे बोझ की तरह नहीं होगा, यहाँ पे जो 12 की मैन पावर हो गई है, जो मैन पावर दिख रही है आपको 12 की, ये सब के सब काम को थोड़ा थोड़ा बांट के करेंगे, ठीक है, इसको हम अंगूठी लता फिर से कह सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे काम बढ़ रहा है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन होगी, यहाँ तो जो भी काम हो अकेले इंसान को करना है। अब सोचिए ये बोल दे कि भाई ऐसा है सर, यहाँ पे ऐसा है ना, सर को क्वेश्चन कर दे अपने अधिकारी को कि सर ऐसा है, ये तो आपने गलत कर दिया कि यहाँ तो आपने टीम बना दी और यहाँ मुझे अकेले इस काम में दे दिया। तो भाई ये उसका फैसला है, उसको अगर लगेगा अधिकारी को कि आपका काम सिंगल के लायक है तो आप सिंगल कर सकते हो और करोगे, आपका काम टीम के लिए है तो टीम बना के करना है, टीम बना के करोगे। टीम वाले कभी ऑब्जेक्शन उठा देगा सर मैं अकेला इस काम को कर लूँगा, वो बोलेगा ऐसा देखो जैसे सुपरमैन बनने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, सोचो कि एक ऐसा काम है जिसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ ऐड हो रही हैं। अब डिफरेंट टाइप की चीज़ कैसे ऐड हो रही हैं कि आप उसमें मान लीजिए अकाउंट की फील्ड भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड वर्क भी ऐड कर रहे हैं आप, एडमिन का पार्ट भी उसमें आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस का पार्ट भी उसमें आप ऐड कर रहे हैं, एचआर का पार्ट भी उसमें आप ऐड कर रहे हैं। अब ये जो सारे के सारे आप पार्ट ऐड कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, एक काम में सारे के सारे चीज़ें ऐड आएंगे तो क्या होगा, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है वही इस फील्ड को कर पाएगा अकाउंट का, ठीक, फील्ड वर्क वाला काम करेगा, एडमिन डिपार्टमेंट एडमिन का काम देखेगा, मेंटेनेंस वाला मेंटेनेंस देखेगा और एचआर वाला एचआर का काम देखेगा। अब यहाँ पर एक बंदा क्वेश्चन करे बोले सर ऐसा है दिखाने के लिए कि मैं अकेला ही इस काम को कर लूँगा, तो कभी ऐसा देखा है आपने कि एक बंदा एक ऑफिस में रहकर सारे ही काम निपटा ले कि मैं एचआर बन जाऊँगा, मैं अकाउंट भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, ठीक है, तो बॉस क्या बोलेगा, देखो ऐसा है भैया आप दिखाना चाहते हो आप अच्छे हो, मैं जानता हूँ आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हो, लेकिन काम में भी क्वालिटी चाहिए, क्योंकि अगर ये बंदा अकेला काम करेगा, एक तो नंबर ऑफ डेज, मान लीजिए यहाँ पर क्या था कि 7 डेज की ज़रूरत थी कि 7 डेज में ये काम होना चाहिए, तो क्या ये आदमी 7 डेज में उस काम को पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा भाई, 12 बंदे काम कर रहे और ये कर रहा है, तो सोचिए काम टाइम ज़्यादा लगेगा। हम ये नहीं कहते कि 12 के हिसाब से 7 डेज काउंट कर लीजिए, लेकिन कम से कम ये भी सकता है इसको 15 डेज या 20 डेज तो मैक्सिमम लग ही जाएंगे, ठीक है, जितना भी एफिशिएंट हो जाए, लेकिन काम की क्वालिटी भी उसके बाद में इफेक्ट कर जाएगी, ठीक। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये ऐसे चलता है कि आपका अधोमुखी संचार प्रणाली, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इनको सबको डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए इसका उद्देश्य डिस्कस करते हैं। अधोमुखी संचार में हम देखेंगे अब यहाँ पर इसके उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला है नीति एवं प्रक्रिया का उल्लेख करना, ठीक है, नीतियों एवं प्रक्रियाओं की व्याख्या का उल्लेख करना, नीतियों एवं प्रक्रिया प्रक्रियाओं का उल्लेख कैसे को समझते हैं। जो संगठन है, ठीक है, डाउनवर्ड थ्योरी में जो भी संगठन होगा उसकी क्या होगी, कुछ नीतियां होंगी, ठीक, और यहां जो भी संगठन बन रहा है तो इस संगठन की कुछ नीतियां, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, उसकी कुछ प्रक्रिया होंगी, कैसे कि ये कुछ तरीका अपनाएगा, ठीक है, कि भाई हम ऐसे टीम बनाएंगे, मान लो टीम वाली जो मैंने बात कही ना, तो टीम बनाएंगे, टीम बनाकर वर्क होगा, सिंगल में वर्क होगा या फिर 2 बंदों को जोड़ के वर्क होगा, ठीक है, किस टाइप से वर्क होगा उसका कुछ उल्लेख होगा कि संगठन की नीति क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी। अब नीतियों मान लीजिए कहते हैं कि जिसका काम जिसको दिया गया है वही करेगा, कोई और नहीं करेगा। अब आप हो, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम किसी को भी दे सकते हो,
लेकिन क्या ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए भाई? इससे काम की जो क्वालिटी है वो तो इफेक्ट होती है हमेशा। ठीक, वही वाली बात है, वो जो हमने देखा ना अंगूर लता वाली बात, ऐसे अंगूर अंगूर लगे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसी बात आ जाएगी, अंगूर लता वाली बात आ जाएगी, तो उसको आप हटा दो अलग, ठीक है, इस वे को आप अलग हटा दो। ये कहते हैं कि यहाँ पर नीतियाँ बननी चाहिए। आपने देखा होगा कोई भी यार ऑफिस है, ठीक, आप ऑफिस, बॉस से ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, आपके नज़र में ऑफिस रहते हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप केवल एक ऑफिस को कंसिडर कर लो, यहाँ पर गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, सब इंक्लूड होते हैं। जहाँ पर भी कोई नीति है, मैं मान लीजिए आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी पढ़ाने की भी नीति है आपके लिए, प्रक्रिया है आपको पढ़ाने के लिए। ऐसा थोड़ी कि मैं उठा और पढ़ा दिया, एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए मैं नीति फॉलो ना करूँ तो मैं अधोमुखी के साथ में आपको गुस्सा करके क्या कहते हैं कम्युनिकेशन की परिभाषा पढ़ा दूँ, सोचिए, तो आप कहेंगे सर आपने तो पहले पढ़ा दिया। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पर क्या होगा कि नीति और प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आप खुद भी देखिए, जैसे आप पढ़ते हो तो पढ़ने में आप पहले एक चार्ट बनाते हो, ठीक, कि मान लीजिए आपको एक इंडेक्स बनाना है, मंडे को आप ये पढ़ोगे, ट्यूसडे को आप ये पढ़ोगे, वेडनेसडे को आप ये पढ़ोगे, तो ऐसा करके आप 7 दिन का एक डायग्राम बनाते हो। ये क्या आपकी सक्सेस पाने की एक नीति है, एक प्रक्रिया है, ठीक। तो उसी प्रकार की जो बात चलती है, किसमें चलती है, वो अधोमुखी संचार में चलती है, और ये इसका पहला उद्देश्य है। अगर अधोमुखी संचार यानी कि डाउनवर्ड थ्योरी को, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन थ्योरी को अपनाना है तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बनाए गए हैं उसके लिए, ठीक है, कि इसी उद्देश्य पे चलना चाहिए, यानी कि नीति प्रक्रिया होनी चाहिए। सेकंड इसमें है कार्य संबंधी आवश्यक जानकारी, उपलब्ध कराना, ठीक। तो ये है इसका अगला उद्देश्य, सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका ये है। कैसे होगा समझते हैं। देखिए, जो भी ऑफिसर है यहाँ पर, जो हम संगठन की बात कर रहे थे, तो संगठन में क्या था, हम देखा एक अधिकारी है आपका, ठीक, ये अधिकारी जो है जिसको हमने नाम दिया है ऑफिसर, जो भी है किसी भी फील्ड में, मान लीजिए किसी भी ऑफिस में ऑफिसर है, ये क्या करेगा, अपने नीचे जो अधीनस्थ होगा, जो कर्मचारी है, ठीक है, इसने कर्मचारी को एक काम दिया, कर्मचारी को काम दे दिया, काम देने के बाद में उसने वो काम किया कैसे, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि वो काम कार्य पूरा करे कैसे। ये जो क्वेश्चन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी काम को करने में। समझे, मैंने आपको कहा कि आपको मुझे बताना है कि जो पॉलिटी है, हिंदुस्तान की पॉलिटी जो है, ठीक है, उसमें पूछता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन जब तक मैं आपको इस क्वेश्चन का एक रास्ता नहीं बताऊँगा, ठीक, कि कहाँ आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आपको फाइंड करना है, कैसे आपको पढ़ना है, तब तक क्या आप मुझे इसका आंसर दे पाओगे, मुश्किल है, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी अकाउंट वाले बंदे को बोलता हूँ कि आप पॉलिटी का ही काम कर दो, ठीक है, बंदा अकाउंट का है, मैं किसका कह रहा हूँ, एडमिन का कोई काम, पॉलिटी का कोई काम करने के लिए कह रहा हूँ, जो राजनीति का उसके लिए कह रहा हूँ मैं, उसको कर पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए, क्यों, क्योंकि उसने पहले उस चीज़ को पता नहीं। लेकिन अगर मैं उसको बता दूँ, करेक्ट है, मैं बता दूं कि आपको कैसे करना है, तब आप इजीली कर जाओगे। ये चीज़ें रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी आपको लागू होंगी, देखने को मिलेंगी। कैसे होंगी, कार्य संबंधी आवश्यक जानकारी क्या है, जब आप कोई भी कार्य करने की बात कर रहे हो, ठीक, कोई भी कार्य, मतलब कार्य आप किसी भी प्रकार का ले सकते हो। मान लीजिए आपने कोई कार्य अपने किसी मित्र को दिया, आपने बोला मेरा ये कार्य करना है, वो बोलेगा भाई कर तो दूँ, लेकिन ये तो बता होगा कैसे। दो कंडीशन आप यहाँ पर ऐसी भी आती हैं, देखो, एक होता है आपका बहुत खासम खास, खासम खास में कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई हिस्सा हो सकता है, जिस जो जो आपको होता ना कि कोई सगा संबंधी होता है, जिसमें आप संबंधी की बात करते हैं, आप सगा संबंधी, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। और एक ऐसा होता है जो खास नहीं है,
सगा संबंधी नहीं है आपका, तो आप क्या करोगे, काम को करने का फर्क आ जाता है। कैसे फर्क आ जाएगा उसको समझ लेते थोड़ा सा, फिर आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपने अपने आसपास की ज़िंदगी में हमेशा देखा होगा कि जब आप किसी को कुछ कार्य करने के लिए बोलते हैं तो क्या होगा कि अगर आपका कोई मित्र बहुत खास है, ठीक, तो वो आपका कार्य तुरंत करेगा, हाँ मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले भाई, हो जाएगा तेरा काम, ठीक है। आपकी बीवी है तो भी तो करना ही है यार, बीवी है तो मजबूरी है भाई, करना ही है, वरना रात को खाना नहीं मिलना, सीधी बात है, जाओ कहीं भी खाओ। उसके बाद में आपके माता पिता हैं तो भी करना है, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो बेवकूफ़ हैं, जो करते हैं वो तो समझदार हैं ही। अब यहाँ पे क्या है, ये खास हो गया, इससे अलग हट जाओ। सपोज़ कि आप हो, कोई भी इंसान है, मान लो उसके साथ में एक खास दोस्त नहीं है, तो क्या होगा, वो कुछ काम के लिए बोलेगा, उसको उसके काम के बारे में तो पता है नहीं है, दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर पता है वो क्या बोलेगा कि अरे भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे को पता ही नहीं, झूठ बोल देगा आपको, ठीक। तो काम के बारे में जानकारी होना भी एक जरूरी है। अब काम जो आपने बोला, आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। समझो, अगर आपको पता है कि वो काम कर सकता है और फिर भी वो मना कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जानते हो, आपको जानकारी है कि ये काम कर सकता है लेकिन वो मना कर रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है, झूठ बोल रहा है। और ऐसे झूठ अक्सर कहाँ बोले जाते हैं, जहाँ पर आपको काम को टालना होता है। जैसे आप लोगों ने वाली मूवी देखी है, मैं थोड़ा सा कॉमेडियन बनाया था इसको, वरना आप लोग बोल जाओगे, तो मूवी चुप चुप के मूवी थी वो, शाहिद कपूर वाली, उसमें वो राजपाल यादव जी होते हैं ना, बोलते हैं कि भाई बताओ जूते कौन पॉलिश करता है, अच्छा काम दे रहे हो, सर ये जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता है, इसको दे दीजिए, बहुत बड़े चमकाता है, अच्छा तो तू जूते पहले पॉलिश करना सीख, काम उसी को मिल जाता है। फिर वो कपड़े धोने वाली बात आती है, मुझे नहीं पता सर, ये मैं बहुत अच्छे कपड़े धोता हूँ, मैं धोता हूँ, ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा, कपड़े महंगे हैं, कोई और धोएगा तो फट जाएंगे। तो ऐसे होता है कभी कभी, तो काम की कंडीशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इसके माध्यम से, ठीक है। हालांकि मूवी देखते रहिए, मूवी से नॉलेज बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, अगर आप मूवी देखने का शौकीन है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि मूवी देखना बेकार है, मूवी देखना बहुत अच्छा है। चलिए, हम यह समझ रहे थे कार्य और मित्र के संबंध को, ठीक है। अब मित्र जो है उसके पास उस काम को करने की जानकारी है तो वो आसानी से कर लेगा, ठीक है, उसको कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या, ये समस्या को छोड़िए, समस्या को आप छोड़िए, देखिए जानकारी है, क्योंकि समस्या से जाऊंगा तो कुछ और लंबा ये टॉपिक हो जाएगा और आप कहेंगे सर ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। कार्य की जानकारी मित्र को है, नहीं है तो जिसने काम दिया है उसका यह फर्ज बनता है कि वो जानकारी भी साथ में दे, ऐसा समझ लीजिए। आपको समस्या में जाएंगे तो फिर समस्या उसका समाधान ये वो बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, तो कार्य देने वाले का एक फर्ज बनेगा कि पूछे, यार तुम्हें इसकी जानकारी है, वो कहेगा है तो ठीक है तो कर ही दो भाई, नहीं है तो हम बता रहे हैं कैसे करना है भाई, तो इसमें आपका फ्रेंड क्या बोलेगा, मतलब करवा के मानेगा भाई तू तो, ठीक है हाँ वो बात ठीक है, वो करवा के ही मानेगा और आपको करना भी पड़ेगा, लेकिन आप भी सच बोलो कि कर सकते हो या नहीं कर सकते। कुछ होते हैं, इसमें भी कंडीशन आ जाती है, कुछ होते हैं क्या, कार्य को लटकाने वाले हो जाते हैं। लटकाने वाले कैसे, कार्य की जानकारी है बोलते नहीं है, और अगर नहीं भी होगी तो बोलेंगे हो जाएगी, है मुझे जानकारी। कुछ लोग होते हैं शौक करने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं, मतलब अपने आप को दिखावा दिखाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि कार्य की जानकारी नहीं होते हुए या फिर अधूरी जानकारी, देखिए नहीं होने एक अलग बात है, होने एक अलग बात है, लेकिन अधूरी जानकारी होना बहुत खतरनाक चीज़ है। अधूरी जानकारी के बेस पर वो काम को हाथ में ले लेते हैं और काम को करते हैं। अब जब वो कार्य करते हैं और अधूरी जानकारी के बेस पर कार्य करते हैं तो कार्य जब अपना पूर्ण रूप लेने वाला होता है वहीं कोई ना कोई समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये समस्या देखने को मिलती है, इससे क्या होता है, कार्य की जो क्वालिटी है, जो एक कार्य में जो मज़ा आना था वो तो नहीं आ पाता ना, समझ नहीं आ पाता कि कार्य हुआ है कि नहीं। वो कहता है तूने तो मेरा काम बिगाड़ दिया, वो कहेगा भाई एक तो तेरा कार्य किया मैंने, एक तो तेरा काम करते रहे कहने पर पड़ता, तो एहसान दिखाने की जगह मेरे को छोड़ा हो रहा, कहेगा बड़ा अजीब आदमी यार, जब तेरे को काम की पूरी जानकारी तूने काम लिया क्यों, बोला कोई और नहीं लेता इसलिए मैंने ले लिया, एहसान किया तेरे ऊपर, एक तो काम अधूरा गलत कर दिया, एक तो पूरा ही नहीं करता है, तो फिर तो ये भी क्या है, एक समस्या हो है, एक समस्या है, और उनका समाधान क्या है कि कार्य संबंधित आवश्यक जो जानकारी है वो पहले ही आप उपलब्ध करवा दो। अब देखते हैं तीसरा उद्देश्य क्या है इसका। तीसरा उद्देश्य है
आवश्यक दिशा निर्देश देना, ठीक है, आवश्यक दिशा निर्देश कैसे है समझ लेते हैं। देखिए, जो उच्च अधिकारी है यानी कि जो ऑफिसर है, ठीक है, अधिकारी, उसके द्वारा अपने नीचे काम करने वालों को, मान लीजिए वो नंबर एक, नंबर दो, तीन, चार, पाँच, छः, सबको कोई ना कोई काम दे रहा है, ठीक है। काम देने के साथ साथ में उसका एक फर्ज क्या होगा कि वो गाइडलाइंस बनाए, ठीक है, दिशा निर्देश को हम बोलते हैं, दिशा निर्देश देवे। जब वो दिशा निर्देश देगा तो उस दिशा निर्देश के अनुसार कार्य होगा। मान लीजिए, वही मैं एग्जांपल ले चलता हूँ, ई अकाउंट की फील्ड का है, एचआर की फील्ड, ठीक है, एडमिन, मेंटेनेंस और आपका रिलेशनशिप मैनेजर, और आप कुछ भी मान लीजिए फील्ड वर्क, मान लीजिए चलिए फील्ड वर्क भी आजकल बहुत चल रहा है, तो ये सब अलग अलग फील्ड हैं, छः के छः। अब इसमें क्या होगा, क्या आपको लगता है जो दिशा निर्देश वो अकाउंट्स वाले को देगा वो सब में फॉलो हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है? सोचिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अधिकारी है, अधिकारी देखिए वो आप खुद जानते हैं वो सब फील्डों का माहिर होता है एक प्रकार से, लेकिन ऐसा नहीं कि तो पूर्ण रूप से ज्ञान होगा सब फील्ड का, ठीक। हालांकि वो उसका काम क्या होगा, दिशा निर्देश बनाना। अब वो क्या करेगा कि अकाउंट जो फील्ड है उसके लिए अलग से गाइडलाइंस बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइंस अलग कर देगा वो, कि आपको इन इन पहलुओं पे नज़र रखते हुए अपना कार्य करना है, ठीक। उसने क्या किया, कोई काम दिया इनको, अब काम दे करके, अब सोचिए कि अगर ये वाला बंदा अपना काम अपने यहाँ पे रहने वाले किसी ग्रुप में से किसी एक बंदे को, सपोज इस बंदे को उन्होंने काम दे दिया कि भाई आप मेरा काम कर दो, तो काम करने के लिए ये वाला जो बंदा ये भी ये वाले गाइडलाइंस फॉलो करेगा जो ये ऑफिसर दे रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो गाइडलाइंस एचआर के डिपार्टमेंट में दी गई हैं उनको ये बंदा फॉलो करे, क्योंकि जैसा जिसका डिपार्टमेंट होगा, ठीक, वैसा ही वो गाइडलाइंस देगा। और ये भी एक संचार की प्रक्रिया, कैसे, सोचिए आप अपने घर में हैं, ठीक है, मान लीजिए घर में है, और घर में कौन होते हैं, घर में होते हैं माता और पिता। अभी जो घर में माता पिता आपके हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ नियम बना देते हैं घर में आपके, जैसे रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना, ठीक है, देर रात तक नहीं जागना, ठीक है, जिसको हम लेट नाइट बोलते हैं, लेट नाइट या देर रात तक नहीं जागना, सुबह जल्दी जागना, ठीक है, जल्दी जागना, ठीक, और कहते हैं कि नशे से बच के रहना, नशे से बच कर रहना। अब ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, ये डिफरेंट टाइप की, ये सब क्या हैं, कि परिवार में जितना सब, अब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए बना दिया, ठीक है, तो परिवार क्या है, परिवार में जितने सदस्य होंगे, ठीक, मान लीजिए परिवार में 6 सदस्य हैं, तो 6 के 6 सदस्य इन सब को फॉलो करेंगे, समझे। अब सोचिए इस 6 सदस्यों में परिवार का कोई एक मेंबर ऐसा है जिसका जॉब ही नाइट का है, ठीक है, जो उसका जॉब प्रोफाइल है वो नाइट का है, अब वो क्या इस 10 बजे वाले रूल को फॉलो कर पाएगा, सोचने वाली बात है। या फिर इसको कि आप जल्दी सो जाएं, लेट नाइट ना जागें, फॉलो कर पाएगा? नहीं। लेकिन बाकी जो 2 रूल है, जल्दी जागना उसके लिए संभव है, ये भी संभव नहीं है। अब बचा कौन सा, नशे से बच के, भाई ये वाला तो कर सकता है, ऐसा थोड़ी है कि कहेगा अरे जब मैं 3 रूल नहीं मानूंगा तो चौथा क्यों मानूं, मैं तो खूब पीऊँगा, स्मोकिंग करूँगा, ड्रग्स भी लूँगा,
यानी क्या क्या करेगा, ठीक है, तो क्या होगा वो इसका मतलब रूल तोड़ रहा है, उसको तीन रूल वो नहीं मान सकता, इसलिए घर वालों ने छूट दी कि आप ये रूल नहीं मान सकते, आपको समस्या है, आप ये वाला रूल तो लेकिन मानोगे ही मानोगे, समझ रहे हो। वो चला तो घर वालों की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही है ना, क्योंकि अगर उसका जॉब रात का ना होता, लेट नाइट जॉब वाला उसका सिस्टम ना होता, तब तो सारे रूल फॉलो करता, लेकिन उसका जॉब है लेट नाइट वाला, तो वो कैसे मान सकता है। तो जो बचे हुए कंडीशन है वो तो उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक, ऐसी सब कंडीशन बनेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो दिशा निर्देश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक, आपका कैरेक्टर बनाने में, काम को ख़त्म करने में। अब सेम कंडीशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर ये इंसान बोल दे मैं ये वाले रूल, मैं इसके रूल नहीं मान रहा, इस वाले का रूल नहीं मान रहा, जो भी अकाउंट वाले को दिया वो कहेगा भाई मत मान। सोचिए एचआर वाला बोलेगा या फिर एडमिन वाला बोलेगा कि मैं भी अकाउंट वाले डिपार्टमेंट के रूल नहीं मान रहा, तो अधिकारी क्या बोलेगा, मत मानो वो रूल जो नहीं मानने हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन रूल मान लो बना देते हैं ये कि सबको लंच 2 बजे से 3 बजे तक कंप्लीट करना है। अब इसमें से कोई उठ के बोले है एचआर डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट वाला कि भाई देखो मैं नहीं करूँगा, मेरे को तो 4 बजे भूख लगती है या फिर मेरे को लगती है 1 बजे, मैं 1 बजे से और 2 बजे तक करूँगा या 2:30 बजे तक करूँगा, ये बोलता है, कहता है अच्छा भैया जो रूल बनाया उस पर चलो, क्योंकि भूख का कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, ये रूल ऐसा रूल नहीं जिससे कि काम जो वर्किंग एरिया है वो आपका इफेक्ट करे, किसी प्रकार से काम में कोई बाधा है ऐसा तो रूल नहीं है जिसको मानने से कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे रूल सभी के लिए माना जा सकता है, जो भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, कंडीशन बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रूल माना जा सकता है, और अधिक अगर कोई नहीं मानता, रूल तोड़ता है, तो क्या होगा, अधिकारी उसको दंड भी दे सकता है, ठीक है, पनिश भी कर सकता है। और जब पनिश करेगा तो भैया काम करोगे, डांट खाने को डांट तो खाओगे, सीधी बात है। अब जब डांट खाओगे इसका मतलब क्या है, आपने रूल तोड़ा है। तो जो दिशा निर्देश बनते हैं वो किस लिए होते हैं, कि आप अपने काम को पूर्ण रूप से कर सकें और उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं उनसे बच सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें, जिससे आपके काम की कार्य को जो करने की क्षमता है उसमें गति मिल सके, ठीक। तो इसके लिए होते हैं दिशा निर्देश आवश्यक। सोचिए एक कंडीशन कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, क्या वो गवर्नमेंट ऑफिस है वो प्राइवेट, प्राइवेट में तो हालांकि ऐसा नहीं होता, आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं और क्या होता है कि उतना भाई खिड़की बन जाती है वहाँ पे, ऐसे डिफरेंट टाइप की खिड़की बन जाती है ऐसे ऐसे करके, और आपको लाइन में बाहर खड़ा होना पड़ता है, खिड़की नंबर 1, खिड़की नंबर 2, खिड़की नंबर 3, खिड़की नंबर 4, ये जो विंडो सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होगा, आपके खिड़की पे खड़े एक छोटा सा वो बना होता है यूं करके ऐसा ऐसा, और आप यहीं से बात कर रहे हैं, यहीं से आपको अपनी फाइल दे रहे हैं अंदर, सब कुछ कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं। फिर क्या होगा, ये जो बंदे हैं अंदर जो बैठे हुए हैं, सोचिए कि आप लगे हैं, अब 12 बज रहे हैं, आपको इमरजेंसी है, आपको पता है 1 बजे तो बंद ही हो जाएंगी खिड़कियाँ, 1 बजे बंद हो जाएंगी। वो बंदा कहता है मैं तो 12 बजे लंच पे जाऊँगा, 1 घंटा। आप कहेंगे अच्छा ऐसा कैसे कर देगा भाई तू, कहेगा मेरी मर्जी, ठीक। अब आप बोलोगे अच्छा ये तो रूल ही नहीं है, आप रूल क्या तोड़ दोगे, बोलेगा मेरी मर्जी, अच्छा आपने कंप्लेंट करी उसकी तो नौकरी गई, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिशा निर्देश इसलिए भी आवश्यक है कि अगर उनका काम का टाइम एक बताया गया, यहाँ पे वो लिखेंगे कि लंच टाइम इतने बजे से इतने बजे तक। अब सोचिए लंच टाइम आपको उन्होंने बता दिया और आप कहते नहीं भी नहीं लंच टाइम एंड टाइम कुछ नहीं आप काम करो, वो क्या बोलेंगे, देखो ऐसा है बेवकूफ मत बनो, हमें दिशा निर्देश दिया गया आपको लंच इतने से इतने टाइम तक करना है, और ये हमारे खाने की, आदमी जीता खाए के लिए खाने के लिए, कमाता खाए के लिए खाने के लिए, तो हम नहीं मानेंगे इस बात को, हम काम नहीं करेंगे, आप 2 बजे के बाद आइए कृपया, 1 से 2 हमारा लंच टाइम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन आप कंप्लेंट तो कर नहीं सकते उस अधिकारी की या फिर उस कर्मचारी की, तो आप 2 बजे के बाद जाओगे और 2 बजे के बाद जाकर के अपना काम करवाओगे, ठीक है। तो ये दिशा निर्देश हैं, और दिशा निर्देश में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो फॉलो करने वाली बात है कि वो केवल कर्मचारी के लिए, वो आपके लिए भी, कैसे कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 बजे तक लंच टाइम है, तो आपको समझ जाना चाहिए आपके लिए भी दिशा निर्देश है कि आप उस समय में कोई कार्य के लिए ज़बरदस्ती ना करें। जैसे आप मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, अदर ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है,
दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि धोला कुएं के लिए राइट मुड़े, ठीक, मैटर में होता ना कि कृपया सीट के नीचे देख लें या फिर दरवाजे में हाथ ना फंसाएं, वो सब क्या दिशा निर्देश है एक प्रकार से। चलती मेट्रो में ना चढ़े, चलती ट्रेन में ना चढ़े, कृपया उतरने वाली सवारियों को पहले उतरने दें, धक्का मुक्की ना करें, ठीक है, महिलाओं के कंपार्टमेंट में ना चढ़े, सब दिशा निर्देश है। तो उन्हीं पे कार्य होता है और वो ही कार्य आपको बेहतर बनाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने ऑफिस वर्क को निपटाने में। तो अधोमुखी संचार जो है हमारा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन थ्योरी जो है, उसमें ऑब्जेक्टिव जो आपका है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है थर्ड, आवश्यक दिशा निर्देश, ये हर प्रकार से जरूरी होते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं यहाँ पर, शॉर्टकट में जाता हूँ, समझाऊंगा अच्छी तरह भाई, तारीफ करना। ये जो पहलू है, ठीक है, तारीफ करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, समझेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको कैसे। देखिए, एक ऑफिसर जो है, अधिकारी जो है, वो अपने नीचे के बंदे को काम देता है, कार्य देता है करने के लिए, ठीक है, कर्मचारी को। अब कर्मचारी, मान लीजिए उसने समय दिया कि 7 डेज है आपके पास, 7 डेज में ये कार्य मुझे चाहिए, जो भी कार्य दिया उसने, क्या किया भाई 7 डेज में, हो भी सकता है 6 डेज में कर दे, वो 6 डेज में करके ये काम दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, सोचिए कि उसको लगा कि ये काम 7 डेज में पॉसिबल नहीं है, इसको रिक्वायर्ड है काम के लिए 8 to 10 डेज की, तो क्या करे, अपने अधिकारी को जाके बताए कि सर आपने 7 डेज का टाइम दिया है वो सफिशिएंट नहीं है, मेरे को इस काम करने में 8 से 10 दिन लगेंगे। अब कर्मचारी बोले ऑफिसर नहीं बे पागल हो गया, थप्पड़ मारूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा, नौकरी खा जाऊंगा तेरी, ये काम तो तुझे 7 दिन में करना होगा। बोलेगा सर कैसे संभव है, जो आप चाहते हैं वो हो नहीं सकता 7 दिन में। बोले मुझे नहीं पता 7 दिन में, तो 7 दिन में बस, बोले नौकरी गई तुम्हारी, चलो वो कर भी दे, क्या होगा, काम की क्वालिटी बचेगी कुछ, काम में कुछ मजा आएगा। अब फिर आप क्या करोगे, अरे क्या काम लाया, ऐसे काम कर तुम, काम करने नहीं आता, तुम्हें नौकरी पर रखा किसने, हालांकि नौकरी पर रखा उसी ने है, लेकिन नौकरी पर रखा किसने, ठीक। तो इस प्रकार की बातें आएंगी। अब क्या होगा, तारीफ करना, देखिए कैसे, जब कर्मचारी आपसे समय लेने आया है कि सर ये काम 7 दिन में नहीं 8 से 10 दिन में होगा, तो भी आपको समझना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब इनको काम की नॉलेज है, और शायद ये हो सकता है कर्मचारी अधिकारी को नॉलेज हो या ना भी हो, हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, लेकिन जिसको काम दिया उसको नॉलेज लगती है। तो बोलेगा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप एक काम करो 8 से 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सके तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी ले लो, ठीक। अगर आपको लगे कि भाई बीच में काम को जाकर देख लो, भाई उन्हें 7 से 10 दिन तो ले लिया, 8 से 10 दिन ले लिए मान लो, तो 4 से 5 दिन में काम के बारे में पूछ लो कि भाई वो काम आपको देता है उस पर प्रोग्रेस कैसी है, कैसा काम चल रहा है। तब वो कर्मचारी बताएगा आपको कि सर इतना हो गया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये चीज़ें इसमें हैं। तो जो उसने अच्छा काम किया है आप उसकी तारीफ कर सकते हो कि भाई बहुत अच्छा काम किया, मज़ा आ गया भाई, वाह, आपको एक्स्ट्रा दिन चाहिए तो और बता देना, लेकिन काम बड़े अच्छे हैं, मेरे को मज़ा आ जाना चाहिए कि देखते मुँह से निकला भाई वाह, ठीक है। इससे क्या होगा, कर्मचारी जो उसका मनोबल बढ़ेगा, काम अच्छा करेगा, और जब काम वो अच्छा करेगा तो काम को अच्छा करने के साथ साथ में काम में क्वालिटी आएगी, आपके लिए तारीफ का पात्र बनेगा, ठीक है। अब इसको हम और तरह से लिंक करते हैं कि मान लो आप तारीफ नहीं कर रहे हो, ठीक। अब तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि आप बिना वजह भी होता है बिना वजह तारीफ करना, कैसे, देखिए एक होता है, देखा ना हमने चमचे इनको बोलते हैं चेले चपाटे, वो समझिए वाली कंडीशन कैसे होती है कि जो अधिकारी है, ठीक है, अधिकारी के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको हम जानते हैं किस नाम से, कर्मचारी के नाम से, इन सबको मैं एक ही नाम दे रहा हूँ, कर्मचारी। अब ये जो कर्मचारी रहते हैं इनमें से कुछ कर्मचारी कैसे होते हैं, थोड़े खुददार टाइप के होते हैं कि भाई काम है तो काम है, नहीं है तो नहीं है, मतलब
अगर अधिकारी बोले कि भाई देखो ये वाला काम कर दो, सोचो वो पर्सनल काम के लिए बोल रहा है, सर मेरा पर्सनल काम कर दो तो मैं प्रमोशन करवा दूंगा, या मेरी बात मान जाओ किसी गलत काम में, भाई अधिकारी जरूर थोड़ी अच्छा काम बोले, अधिकारी बोलता है मेरे ये गलत काम है, ठीक कोई रिपोर्ट दे रहा गलत रिपोर्ट है, बोले साइन करवाओ इस पर, कर्मचारी बोले सर नहीं रिपोर्ट ही गलत है, बोले हम कह रहे हैं साइन करो तुम भी इस पर, तो क्या होगा, अरे सर क्यों करूँ, अरे यार प्रमोशन मिल जाएगा टेंशन मत लो साइन करो, क्या हो रहा है गलत काम हो रहा है। और कुछ होते हैं क्या चेले चपाटे, अब उनकी अवधारणा देखो, काम गलत हो या सही हो उन्हें उस बात से कोई मतलब या लेना देना ही नहीं होता, वो क्या करते हैं अपने अधिकारी की हाँ में हाँ मिलाते तारीफ करते हैं, अधिकारी ने बोला क्या लंच का टाइम चेंज कर दो, सर क्या डिसीजन लिया आपने बहुत बढ़िया, टाइम भी नहीं सुना लेकिन बहुत अच्छा सर, मैं तो कब सोच रहा था आपने, सर आपकी सोच ही कमाल है, क्या है ये चेला चपाटा बना, ठीक है मतलब वो प्रमोशन के लिए सब कुछ करेगा, अगर कोई गलत डिसीजन भी लेने के लिए बोल रहा है, ठीक अधिकारी ने बोला कि भाई ये काम आप कर दो, आपको पता है हालांकि गलत है लेकिन अरे सर हो जाएगा टेंशन मत लो, हम जुगाड़ निकाल लेंगे, हम कहीं भी कर देंगे टेंशन मत लो, ठीक गलत पे काम कर दिया, अधिकारी का थोड़ा फायदा हुआ लेकिन कितनों का नुकसान हुआ ये आपने नहीं देखा, आपको किस बात से मतलब हुआ आपके प्रमोशन से, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो तारीफ पेल रहे हो दबा के, किसकी अधिकारी की, यहाँ पे क्या है यहाँ पर अधिकारी को करनी चाहिए किसकी तारीफ, कर्मचारी तारीफ, लेकिन उसमें भी गलत तारीफ नहीं होनी चाहिए, गलत तारीफ कैसे सोचिए, अधिकारी भी कर्मचारी गलत तारीफ कैसे कर सकता है, जैसे यहाँ पे वापस आते काम वाले उस पर एग्जाम्पल पे 7 डेज बोला उसने, ठीक है उसने क्या बोला कि सर नहीं मुझे 7 डेज में नहीं चलेगा, मुझे 8 से 10 दिन चाहिए, अब क्या करेगा अधिकारी, अरे नहीं यार तुम अपने आप अपनी क्वालिटी नहीं जानते तुम, पता तुम्हें मैं जानता हूँ तुम कर लोगे इसलिए तुम्हें रखा है इस पोस्ट पे, और इसको कर लो तुम्हें अच्छा प्रमोशन मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, इंसेंटिव मैं दिलवाऊंगा, ठीक लेकिन रिपोर्ट में मजा आ जाना चाहिए, बस कर दो बस, समझ लो क्लाइंट आ रहा है बहुत अच्छा है बड़ा मजा आ जाएगा, कर्मचारी फिर बोल रहा है सर नहीं हो सकता बात समझिए, अरे यार समझ नहीं रहे तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है बहुत अच्छे हो तुम, पता तुम्हारा एक स्ट्रेंथ तुम कर सकते हो, क्या किया उसने तारीफ कर करके कर्मचारी को कहाँ चढ़ा दिया पपीते के झाड़ पे, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, कर्मचारी भी बहुत होशियार आदमी है उसने क्या कर रिपोर्ट बना दी कि ठीक है कर देते हैं 7 डेज में कर दी, अब उसके बाद में देखो अधिकारी को दे दी, ठीक है अब अधिकारी को हालांकि वो रिपोर्ट पसंद ना आए लेकिन क्लाइंट के सामने तो बुराई नहीं कर सकता, फिर तारीफ करनी पड़ेगी उसे झूठी, ठीक लेकिन बाद में वो कर्मचारी की खूब वाट लगाएगा, कर्मचारी को खूब सुनाएगा, तो जो तारीफ करने का जो प्रोसेस है, ठीक है उस प्रोसेस को भी आप ऐसे नहीं कि बिना वजह अपनाओगे, अब ये देखिए कोई ऐसा नहीं है कि एक परिवार है, ठीक है माँ अपने बच्चे की तारीफ कर रही है, गलत काम पे तारीफ नहीं हो सकती, अब कभी आपने सुना है कि पापा हैं, ठीक है आप कोई गलत काम कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा करके आओ, पढ़ाई नहीं कर रहे, सबसे बड़ी पढ़ाई नहीं कर रहे आप ठीक से, तो आपके पापा आपकी तारीफ करेंगे, खींच के दो कान पे मारेंगे आप पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है बहुत सोते आँख दिखा दी बच्चा डर गया पढ़ना है, ठीक कुछ होते हैं पहले डरना बंद कर देते हैं, कुछ होते हैं शादी के बाद तक डरते हैं, बड़े होने तक डरते हैं, तो डिपेंड करता है संस्कार कैसे है, वो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तारीफ़ें अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसकी तारीफ़ करते हो क्या झूठी करनी पड़े, कोई ना पसंद है उसकी भी एक तरह से बुराई में तारीफ़ ही करते हो आप, ठीक तो ये सब कंडीशन में चलती हैं, तारीफ अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम बात यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तारीफ का जो मतलब हो जाएगा वो केवल किस संदर्भ में होगा, वो होगा कम्युनिकेशन के संदर्भ में, कि आपको जो अधिकारी है अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारी की तारीफ करनी चाहिए उसके अच्छे काम को बढ़ावा देने के संदर्भ में, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती वाली बात है, जबरदस्ती वाली बात कोई नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है अगला देखते हैं इसका, अब हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखे अभी तक, अब हम देखेंगे इसके लाभ एडवांटेज क्या है इसके, ठीक है उनको भी देख लेते हैं एक बार अधोमुखी के, लाभ यानी कि एडवांटेज, देखिए अधोमुखी जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है
उसके लाभ क्या हो सकते हैं? पहला लाभ होगा नियंत्रण करना, प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण कैसे होगा समझते हैं। देखिए जो भी अधिकारी है यहां पर, ठीक है, अधिकारी जो है आपका, उसका अपने कर्मचारी के सभी कामों पर नियंत्रण होगा, ठीक है। कर्मचारी का कार्य क्या है उस पर, ठीक। अगला क्या होता है, कर्मचारी की जो कार्य प्रगति है, यानी कि कार्य प्रगति, उस पर नियंत्रण होगा, ठीक है। उसके बाद कर्मचारी जो क्रियाएं हैं उस पर हो सकता है, क्रियाओं पर नियंत्रण, ठीक। तो जो इस प्रकार के नियंत्रण बनेंगे, ठीक, और इन नियंत्रण में देखिए क्या होगा। अब सोचिए नियंत्रण की जो प्रक्रिया आ रही है वो केवल कार्य पे तो आएगी, और कार्य की गति कैसी है, मतलब कितनी स्पीड से काम चल रहा है, कितना क्वालिटी काम है, ठीक है, काम कितना बेकार है, उन सब पे, और कार्य करने की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, वो कैसी है, इन सब पे। अब क्या वो कर्मचारी के पर्सनल लाइफ पे भी अधिकार कर सकता है? सोचिए जरा, यहाँ अधिकारी है, जो ऑफिसर है, ये क्या पर्सनल लाइफ पे, कर्मचारी के पर्सनल लाइफ पे भी अधिकार कर सकता है? ये क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल कैसे, सोचिए आप हो किसी ऑफिस में, आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, और ऑफिस में काम करते हुए कर्मचारी, आपका फोन आ गया, ठीक है, आपने कहा सर एक्सक्यूज मी मैं बात कर लूँ, बोला ठीक है बात कर लो भाई जाओ। आप गए बात करिए, अपना पर्सनल लाइफ टूटा आ गए, अपना काम में लग गए, किस्सा खत्म। लेकिन अब ऐसे समझो कि आप जो बात करने गए, कर्म अधिकारी ने पहले बोलो रुको, बोले जी सर बताइए किसका फोन आया? सर बीवी का फोन आ गया घर से। अच्छा मेरे सामने बात करो स्पीकर पे। बोले सर क्यों? बोले अच्छा हम सोच रही नाम डाल लो, तुमने वाइफ होगा, तुम्हारा कोई फ्रेंड, बहुत देखे हैं ऐसे मैंने, नहीं काम में ही अभी बात करो। तो क्या होगा कि वो आपके पर्सनल, यानी कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, उसमें भी दखलंदाजी कर रहा है, उसमें भी इंटरफेयर कर रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रभावी नियंत्रण पूरी तरह से नहीं कहलाएगा। अधिकारी का जो प्रभावी नियंत्रण होगा वो अपने से नीचे पे होगा। आप खुद सोचिए, प्रभावी नियंत्रण आप किसी भी चीज़ में नहीं डाल सकते, ठीक है। क्या बच्चे जो हैं वो माँ बाप के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं। लेकिन माँ बाप बच्चे के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं। हर चीज़ की एक सीमा बनी हुई है, अगर आप कभी भी सीमा का उल्लंघन करेंगे तो तकलीफ तो होगी, ठीक। तो प्रभावी नियंत्रण के अंतर्गत आप किसी के ऊपर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेकर के, केवल जिससे आप रिलेटेड ना हो। अब मान लीजिए आपको जीवन साथी है, ठीक है, जीवन साथी क्या करेगा? अगर जीवन साथी आपको बोलेगा नहीं आप रोज़ की रोज़ लेट घर क्यों आते हो, आपको आप बोल रहे हो भी सकता है कोई भी हस्बैंड वाइफ का हम केस ले लेते हैं, तो मान लीजिए दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड ने बोला ऐसा है आपको जॉब नहीं करनी, ये क्या हो गया, आपने कंडीशन लगा दी नियंत्रण, ओके। या फिर आप जॉब कर रहे हो तो आपको छुट्टी 6 बजे होती है, मान लो उनकी 6:30 तक घर आ जाना, मुझे नहीं पता कैसे आओगे, बस 6:30 तक मुझे घर चाहिए, क्या है नियंत्रण। या फिर आप ये नहीं खाओगे, वजन देखा आपको कितने मोटी हो गई हो, ठीक, अरे यार क्या बाल तुम्हारे बुढ़े हो गए सफ़ेद हो गए, तो ये सब क्या है, ये एक प्रभावी नियंत्रण है, और यही नियंत्रण वाइफ भी हस्बैंड पर कर सकती है, ठीक। कहाँ थे, किसके साथ थे, कपड़े कैसे गंदे हुए, खाना टाइम पे क्यों नहीं खाया, ये सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ये पर्सनल लाइफ में आपको दिखाई देते हैं, ये प्रभावी नियंत्रण आता है एक प्रकार से, मतलब जो इंडिपेंडेंस है आपकी, आज़ादी है, वो आपसे छीन ली जा रही है एक प्रकार से, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा इजी करके देखते हैं। अब इसी में आप थोड़ा सा इजी करके देखिए तो कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि आप सर्वाइव कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं कहीं कहीं पर, हर उस पर तो नहीं कर सकते ना, फिर क्या होगा, कोर्ट केस, पुलिस केस, अच्छा मैं किसी से कम नहीं हूँ, दिखा दूंगी अभी, या फिर अच्छा जो दिखाना दिखा दे जा, हो गए झगड़े, हो गए थाने बयाने,
चले गए कोर्ट केस, हो गया डिवोर्स, बात पहुंच जाएगी। ठीक, क्या अधिकारी कर्मचारी को डिवोर्स दे सकता है? क्वेश्चन। ठीक, या कर्मचारी कह सकता है अधिकारी से मेरे को तलाक चाहिए, क्या कहेगा भाई? नौकरी छोड़ देगा। ठीक, लेकिन नौकरी छोड़ने के लिए कोई वैलिड रीज़न तो दे। अब वो रीज़न देगा अधिकारी, क्या रीज़न देगा? ये मुझे अपनी व्यक्तिगत क्रियाओं के बारे में नहीं बता रहा। कर्मचारी क्या बोलेगा कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं बताने की, आप ऑफिशियल चीज़ें पूछो, मैं आपको सारी जवाब दूंगा, आपको मैं पर्सनल जवाब क्यों दूं? ठीक, अब इस मामले में अगर अधिकारी बोले कर्मचारी को नहीं देना पड़ेगा, नौकरी छोड़ दो, अच्छा अभी जा रहा हूँ लेबर कोर्ट, रुक जा बताता हूँ कैसे नौकरी छोड़ दूँ, लेबर कोर्ट में कंप्लेंट ठोक देगा। ठीक, क्या होगा? अधिकारी को तो वाट लग गई, जज जी पूछेगा भाई क्यों, आप काम से, जो आपका काम है उससे आप रिलेटेड बात करो। ठीक है, तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू हमने दोनों देख लिए है। तो अब बात करते हैं हम लाभ के एडवांटेज की। तो आप केवल इसको एडवांटेज में देखिएगा, मैं आपको समझा हालांकि दोनों पहलू लेकर आऊँ, लेकिन अभी आप केवल एडवांटेज में देखिए कि प्रभावी नियंत्रण से क्या हो गया कि अधिकारी को पता होगा कि कर्मचारी जो काम कर रहा है उस काम में उसकी स्पीड कैसी है, कितने टाइम में वो काम खत्म हो सकता है, जो टाइम मांगा है कर्मचारी ने उससे अधिकारी से वो टाइम सही है कि नहीं सही है, या फिर उसे और टाइम की रिक्वायरमेंट है। कभी कभी देखो क्या होता है कि कर्मचारी थोड़े शर्मीले और डरपोक टाइप के होते हैं और वो अपने बॉस से बात करने में डरते हैं कि यार बॉस और टाइम मांगेगा तो डांट पड़ेगी, कहीं बॉस जॉब से ना निकाल दे, हालांकि उसको बॉस का नेचर पूरी तरह पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे काम करता है। अगर अधिकारी उससे बात करेगा, ठीक है, उसके काम के ऊपर निगरानी रखेगा, उसे एहसास भी हो सकता है अधिकारी को भाई इसको जो काम का टाइम मैंने दिया है वो कम है, बढ़ा देना चाहिए, तो वो हो सकता है भाई खुद वो कार्य का जो समय है पूरा करने का वो बढ़ा दे, कार्य समय बढ़ाना, ठीक है, वो कार्य का समय बढ़ा सकता है, तो इससे भी तो एक बेनिफिट ही मिला। ठीक, तो प्रभावी नियंत्रण जो है वो लाभ का ही एक मार्ग है। इसके बाद हम इसका अगला डिस्कस करते हैं जरा। सेकंड इसमें आता है लाभ आपका, इसको हम बोलते हैं परंपरागत दिशा, या फिर हम इसको और भी कुछ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आदेश एवं निर्देश का ऊपर से स्वाभाविक प्रवाह, ठीक है, जो परंपरागत दिशा निर्देश है, दिशा है, उसको देख लेते हैं। इसमें देखिए ये भी एक एडवांटेज है, लाभ है, कैसे कि आप जब किसी भी कार्य को करते हो या किसी भी ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, तो एक प्रक्रिया चली आ रही है। ठीक, अब आपको कोई चीज़ बतानी तो नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं ना कैसे? आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया तो वहाँ पर क्या आपको बताया जाएगा कि आपको आपके बॉस की आज्ञा का पालन मानना है, उनके दिए हुए दिशा निर्देश का पालन करना है? सोचने वाली बात है भाई, अगर आपके ऊपर आपका सीनियर है, ठीक, तो सीनियर की बात तो आपको माननी है, और जूनियर जो आपका होगा उसको आपको बात मनवानी है, उसको बतानी है। ये तो एक चेन सिस्टम है, ठीक है ना, कि जो अधिकारी है यहाँ पर उसके जो दिशा निर्देश हैं उसको आपको बताने की जरूरत ना पड़े, आपको माननी है कर्मचारी को। कैसे माननी है? मान लीजिए अब वो बोलेगा भाई मुझे जब जॉब पर रखा गया तो मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे अपने बॉस की हर आज्ञा का पालन करना है, फिर बॉस की बात माननी है, या फिर जो बॉस मुझे काम देगा वो करना ही करना है। तो कहेगा बहुत बेवकूफ़ आदमी है भैया, जब बॉस की अधिकारी की बात नहीं मानेगा तो तू है काहे के लिए कंपनी में, काम क्या कर रहा है, समझ रहे हो इस बात को? तो क्या होगा यहाँ पर, कुछ चीज़ें परंपरागत रूप से चलते, स्वाभाविक प्रवाह इनको हम बोलते हैं, कि बात माननी माननी होती है। अब जैसे घर में होता है, मम्मी ने बोला बेटा जाओ बाजार से सामान ले आओ, अब बच्चा क्या करता है, अरे नहीं मम्मी मैं नहीं जा रहा, आधे घंटे में चला जाऊंगा, अच्छा 10 मिनट और दे दो, 5 मिनट और दे दो, क्या है? मानना तो हालांकि उसको आदेश है, परंपरागत तरीका है भाई, बड़ों का आज्ञा मानना हमें सिखाया गया है, बचपन से सीखा है हमने,
पैदा तो सीख लिया कि बड़ों की आज्ञा का पालन तो करना ही करना है, लेकिन उसमें क्या कर दिया हमने, थोड़ी देर में चलाऊंगा। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा संस्कारी होते हैं, मम्मी ने बोला बेटा ये ले आओ, हाँ अभी तुरंत लो, ठीक। उनको मम्मी ना हाथ से मिला के बिठा करके बेसन के लड्डू चखाती है रोज कि मेरा बच्चा फूल कुमार बहुत अच्छा, वाह, ठीक। और कुछ होते हैं जिनको मम्मी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं वो कमीना नाश पीते टाइप के, वो हिंदी का हिंदी में ऐसा बोलते हैं, वो कैसे होते हैं कि परंपरागत तरीका उसमें क्या है, मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ बाजार से सामान ले आओ, देखो मैं नहीं जा रहा, आपको जाने जाओ वरना मेरे को मत बोलो ये काम, मैं यही काम करूँगा, ऐसी रह गया मैं यही काम करने के लिए हूँ मैं घर में। तो क्या यहाँ पर क्या है कि एक परंपरागत तरीका है तो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर आगे जाकर जब उसके हो जाएंगे बच्चे, वो बोलेगा तो वो भी नहीं सुनेंगे, ठीक, क्योंकि वो कहावत ना जैसी करोगे वैसी भरोगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप स्वाभाविक चीज़ें अपनाने की वाली बात है कि इसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है इसके, स्वाभाविक परंपरागत दिशा निर्देश है। परंपरागत दिशा है कि जो भी आपको बात बोली जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको लिखित में दी जाए, घर में क्या आपको एग्रीमेंट लिखित में मिलता है, आप पैदा हुए तो मम्मी आपको एक एग्रीमेंट थमाएंगी, ये लो ये मेरी लिस्ट है, मेरी बातें ये मानने हैं, पापा थमाएंगे मेरी है, बड़ा भाई है बहन थमाएगी ये मेरी है, छोटा भाई कहेगा मेरी भी है, तो आप क्या कहोगे, अरे भैया इतनी सारी लिस्ट है कैसे तैयार होंगी ये, तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो ये चीज़ें क्या होती है, परंपरागत होती हैं। अब छोटा भाई तो आपसे नहीं बोलेगा, छोटा भाई है बहन कि मुझे प्यार करो मुझे प्यार दो, सिंपल है यार, थॉट है, ठीक। तो उसी प्रकार से ऑफिशियल लाइफ में भी है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बताई नहीं जाएंगी, समझाई नहीं जाएंगी, आके बोलेगा भाई देखो हमारे जो ऑफिसर हैं मैं उनसे एक पोस्ट नीचे हूँ और आपको मेरी इतनी बातों का पालन करना, इतनी का मत करना, कैसे लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ठीक। अधिकारी बोलेगा भाई मेरी तो सारी बातों का पालन करना है, मैं लिस्ट बना रहा हूँ एक आपके लिए, आपके लिए तो नई वाली लिस्ट बना रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा लिस्ट सिस्टम चले तो क्या होगा कि अधिकारी जो है उसके अंडर में सोचिए ये एम्प्लॉय काम कर रहे हैं नंबर वन, अब उसने क्या किया एक के लिए एक लिस्ट बना दी नंबर वन के लिए कि आपके लिए जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप मुझे फॉलो करोगे, दूसरे के लिए बना दी कि आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, तीसरे के लिए बना दी आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, ऐसे चौथे के लिए। अब ये क्या है, ये परंपरागत लिस्ट को आपने एक मॉडिफाइड तरीका बना दिया, ठीक है, क्या कर दिया कि भाई ये मेरी ये वाली बातें मानेगा, ये मेरी ये वाली बातें मानेगा, ये मेरी ये वाली बातें मानेगा, ये मेरी ये वाली बातें मानेगा। अब एक को बोला अब तुम मेरे को पानी पिलाओगे, अब वो क्या बोलेगा मैं क्यों पिलाऊँ, दूसरा क्यों नहीं पिलाएगा भाई, उससे पियो पानी, वो भी तो पियो ना यहाँ का, ठीक। दूसरा क्या बोलेगा कि तुम मेरे डेस्क पे रोज झाड़ू पोछा मारोगे, मेरे केबिन को रोज साफ करोगे, बोले भाई मैं क्यों करूँ, उस वाले को बोलना, उस वाले को तुमने सर पे बिठा रखा है, तो लड़ाई का सिस्टम बन गया अपने आप ही, ठीक। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर पता है किसी को कोई काम करना है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, मैं कहूँ कि आप मेरे को पढ़ाओ तो आपको भैया लगे क्या पढ़ा है सर आपको, ठीक है, या मैं कहूँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ हालांकि वो एक अलग बात है, ठीक, और आप मैं पढ़ा भी सकते हो ऐसी बात नहीं है, तो क्या होगा, लेकिन ये स्वाभाविक जो प्रक्रिया हम उसको बदल रहे हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया ही एक एडवांटेज होता है डाउनवर्ड थ्योरी का, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑफ थ्योरी उसका, ठीक है, समझ में आ गया। परंपरागत स्वाभाविक प्रवाह कैसे होता है, जहाँ पर कोई चीज़ बताने की कहने की जरूरत ना पड़े, स्वाभाविक रूप से आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको किस आज्ञा का पालन करना है, क्या आपके कार्य होने चाहिए, क्या आपको दिशा निर्देश फॉलो करने हैं, ठीक है, अगले पर डिस्कस करते हैं। इसके थर्ड है इसका सूचनाओं का अधीनस्थों के बीच प्रभावी संचार, मैं लिख देता हूँ संचार के लिए, ठीक, समझते हैं इसमें कैसे है। अब देखिए कोई मान लीजिए संगठन है, ठीक, हम इस संगठन की बात करते हैं, इस संगठन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस संगठन में आपकी हो सकती हैं कुछ नीतियाँ होंगी, ठीक है,
कुछ योजनाएं होंगी आपकी, कुछ होंगे आपके कार्यक्रम, कुछ होंगे आपके कार्य प्रणालियां, और कुछ होंगी आपकी सूचनाएं। देखिए, जब आपको इस संगठन चला रहे हैं, ठीक, संगठन चलाने में उस संगठन की नीतियां क्या हैं, उस संगठन की योजनाएं क्या हैं, उस संगठन के कार्यक्रम क्या होंगे, कार्य प्रणाली कैसी होगी, और सूचनाएं, ये सब महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कैसे करते हैं उनको समझते हैं। देखिए, एक अधिकारी आ गया, ठीक, और यहाँ आप बोलेंगे सर आप अधिकारी को भी बार बार क्यों ले रहे हैं, तो इसका मैं बता दूं आपको कि ये एक आधार हम लेकर चल रहे हैं, इससे आप लोग अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप ऑफिशियल लाइफ में समझोगे तो, ठीक है। हालांकि इसको हम ऐसे कर देते हैं अधिकारी, सॉरी, हाँ, अब देखिए, अब अधिकारी को हम लेकर चलते हैं। देखिए, अधिकारी क्या करेगा अपने ऑफिस को चलाने के लिए, ठीक है, जो भी उसके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक, उनको चलाने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण करेगा, नीतियां बनाएगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ये आपको सबको फॉलो करनी है, ये आप चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। उसके बाद में क्या करेगा, वो योजना बनाएगा कि नीतियां बनाई हैं किस योजना को पूरा करने के लिए है, ठीक है, कुछ योजना तैयार करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद अभी योजना बना दी कि कार्यक्रम बनाएगा, भाई कब कौन से योजना को इंप्लीमेंट करना है। भाई योजना एक थोड़ी सकती हैं, वो तो एन नंबर ऑफ हो सकती हैं, कितनी भी सकती है योजना है, भाई एक बना लो, 10 बना लो, 15 बना लो, जितनी उसमें कैपेसिटी होगी अधिकारी में उतनी वो योजना बनाएगा। तो योजना के लिए कार्यक्रम भी निर्धारित करेगा कि भाई कार्यक्रम क्या होगा योजना बनाने के लिए, ठीक है, कि कार्यक्रम बनाओ कि कब कब कौन सी योजना, या फिर एक महीने में एक योजना लागू करनी है, 15 दिन में एक योजना लागू करनी है, एक साल में करनी है, 6 महीने में करनी है, फिर कब योजना बंद करनी है और कब योजना चालू करनी है, ये सब की योजना होगी, कार्यक्रम होगा, ठीक है, इन सब का। फिर आएगा उस कार्यक्रम में कार्य प्रणाली क्या होगी, कि कार्य प्रणाली कोई कार्य कैसे करेगा, कार्य प्रणाली बनाई जाएगी, ठीक, कि जो तीनों चीजें हैं इन तीनों चीजों को कौन कौन क्या क्या कार्य करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना वही बात कि अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को आप एचआर का काम उठा कर देते हो, भाई तुम एचआर देख लो, ठीक है, और सोचो भाई एचआर वाले की जो जॉब है उसको निकाल दो बाहर, कोई नहीं, एक ही बंदा देख लेगा, कोई जरूरत नहीं इसकी हमें, खाने का गवर्नमेंट पर लोड बढ़ रहा है। या फिर क्या करो कि अकाउंट, एचआर, एडमिन, ये सारे उठा करके बोलो किसको, एक कॉमन बंदा रख लो, बोले ये फील्ड वाला जो ऑफिसर है ये सब कुछ देख लेगा, इसी को दे दो सारा सारा उठा करके, क्या होगा, कार्य प्रणाली बनेगी, नहीं बनेगी। तो क्या होगा, जिसका काम है उसी को देना पड़ेगा। तो कार्य प्रणाली, भाई अकाउंट डिपार्टमेंट वाला अपना देखेगा, एचआर अपना देखेगा, एडमिन वाला अपना देखेगा, सबको अलग अलग बांटो उनका, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा सूचना, सूचना, ये सूचना जो होगी, इन सबको करने के लिए सूचना इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या किया, काम दिया किसको, अधिकारी जो है, अधिकारी ने कर्मचारी को काम दे दिया, ठीक है, लेकिन काम करने की सूचना ही नहीं दी, समझ रहे हो कैसे। मान लो जो कार्य दिया करने के लिए, जो कार्य मिला, उसका यही पता नहीं है कि समय कितना है। कर्मचारी ने क्या सोचा, ठीक है दिया है, करते रहेंगे आराम से, धीरे धीरे कर लेंगे। अब 7 दिन अधिकारी ने अपने माइंड में रख लिया कि भाई 7 दिन में तो हो जाना चाहिए, 7 डेज में किस्सा खत्म। यहाँ पर तो इन्होंने शुरुआत ही नहीं की, 8 दिन निकल गए, ठीक है, कर्मचारी भी निकल गए, 8 दिन निकल गए, 8 डेज कंप्लीट, 8 डेज कंप्लीट,
इन्होंने शुरुआत ही नहीं की उस काम की। अब अधिकारी ने बुला लिया, हाँ भाई आ जाओ जल्दी से आ जाओ। बोला हाँ जी सर बताइए बताइए बताइए, नया काम है कोई? बोले नया काम बाद में, पहले पहले वाले काम के बारे में बताओ कितना हुआ। बोले सर अभी तो शुरू ही नहीं किया हो। बोला बड़े बेवकूफ आदमी यार, 8 दिन हो गए तुमने काम ही शुरू नहीं किया। बोले सर आपने थोड़ी बताया कब चाहिए आपको, ना आपने बताया कब तक के लिए गई है। बोले सर बराबर बराबर सूचना दोगे तभी तो काम बराबर मिलेगा। क्या हुआ? सूचना का अभाव। अब जहां सूचना का अभाव आपको देखने को मिला, वहां पर आपको समस्या किस में आई? अपनी सारी नीति योजनाएं कार्यक्रम कार्य प्रणाली इन सबको लागू करने में, ठीक है। क्योंकि आप कोई अगर कार्यक्रम या फिर कोई स्कीम को योजना लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सूचना। आप पहले सूचना दोगे कि भाई हम ये लागू करने वाले हैं, इस पर ये काम होना है, तभी तो आपके साथी जो हैं उस पर वो काम कर पाएंगे, वरना काम कैसे कर पाएंगे। तो ये है सूचनाओं का अधीनस्थों के लिए उपयोग, प्रभावी संचार कैसे होगा, ठीक है। तो अधीनस्थों के लिए बहुत उपयोगी है सूचना, ठीक। इसके बाद इसका अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। पांचवा आता है इसमें, कर्मचारियों एवं प्रबंधकों, के बीच में सीधा संवाद स्थापित करना। ठीक, समझते हैं। देखिए, जहाँ कर्मचारी और प्रबंधक हो गए, प्रबंधक का मतलब वही है आप अधिकारी लगा दें, अधिकारी, ठीक। जहाँ ये होंगे दोनों, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में एक सीधा संबंध स्थापित होना चाहिए। अगर सोचिए ये दोनों मान लीजिए अधिकारी हैं, और अधिकारी क्या करता है, अपने बीच में कोई ब्रोकर या ट्रांसलेटर, ठीक है, मध्यस्थ इंसान जो है मध्यस्थ उसको रख लेता है, और उसके बाद कर्मचारी हो गया, अब क्या होगा, कंडीशन कैसी बनेगी समझिए। अधिकारी ने कुछ काम बोला, ठीक है, भाई ये काम करना है, इसके पास गया जो मध्यस्थ निभा रहा है ना, मिडल बात निभा रहा है। अब ये क्या करेगा, मान लो अधिकारी ने काम बोला भाई 7 दिन के अंदर ये काम करके लेकर के आओ, मुझे चाहिए, उनसे करवाओ जा करके, कर्मचारियों से। कर्मचारियों को तो काम के बारे में पता भी नहीं चला, मुसीबत हो गई। तो कर्मचारी जब काम के बारे में पता नहीं चला तो काम होगा कैसे। और यह इन्होंने क्या करा, 7 दिन का 15 दिन तक भी काम आगे भेजा ही नहीं कर्मचारियों के पास, रुका रहा बीच में। अब अधिकारी ने बोला भाई कर्मचारी को बुलाओ, बुलाया, काम हो गया। बोले जनाब कौन सा काम? बोले यार तुम्हें काम दिया था, 15 दिन हो गए काम नहीं हुआ। बोलेगा सर मेरे पास काम आया हो तो दूँ ना, मतलब सर मेरे पास कोई काम नहीं आया। बीच वाले इंसान से पूछा भाई काम करवाने के लिए आपने बोला था आप करवा दोगे काम, जिम्मेदारी ली थी, क्या हुआ काम का? बोलेगा सर भूल गया। बोला भूल गया तो काम रुक गया पूरा, भाई भूल कैसे गया? तो क्या बोलेगा वो कि सर सॉरी ध्यान रखूंगा। तो इससे क्या हुआ कि सूचना पूरी तरह से नहीं मिल पाई, ठीक, मतलब बात में क्लैरिटी नहीं हुई, काम पूरा नहीं हुआ, सफ़र करना पड़ा सभी को, काम में बाधा, रुकावटें, विभिन्न प्रकार की समस्याएं। और इससे सबसे बड़ी की बात क्या हुई, जो कर्मचारी है इसकी जो उत्पादक क्षमता है, ठीक, उत्पादक क्षमता है वो इफेक्ट हुई, उस पर असर पड़ा, उत्पादक क्षमता बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ी, ये नीचे की तरफ चली गई उल्टा, ठीक, नीचे चली गई उत्पादक क्षमता। तो ये सब क्रिया देखने को मिलेंगे इसमें। अब इसके विपरीत चलते हैं कि अगर ये चीज़ ना हो, ठीक है, अधिकारी है, अधिकारी सीधा संपर्क कर रहा है कौन, कर्मचारी, ठीक, कर्मचारी संपर्क कर रहा है अधिकारी सीधा,
सात दिन का टाइम दिया भाई, वही सेम टाइम मैं लेके चल रहा हूँ, सात दिन में काम कर लाओ। कर्मचारी ने कहा सर लो छः दिन में ही हो गया, एक दिन तो मैंने सेफ दे दिया आपको, बचा दिया। अधिकारी बड़ा खुश, भाई भा बहुत बढ़िया इंसान है, तुम्हारे प्रमोशन की पक्का बात करेंगे हम। ठीक, तो क्या हो गया, प्रमोशन को सबको फॉलो करनी है, ये आप चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। उसके बाद में क्या करेगा, वो योजना बनाएगा कि नीतियाँ बनाई हैं किस योजना को पूरा करने के लिए हैं। ठीक है, कुछ योजना तैयार करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद अभी योजना बना दी कि कार्यक्रम बनाएगा भाई, कब कौन से योजना को इम्प्लीमेंट करना है। भाई योजना एक थोड़ी सकती है, वो तो एन नंबर ऑफ हो सकती हैं, कितनी भी सकती है योजना है भाई, एक बना लो, दस बना लो, पंद्रह बना लो, जितनी उसमें कैपेसिटी होगी अधिकारी में उतनी वो योजना बनाएगा। तो योजना के लिए कार्यक्रम भी निर्धारित करेगा कि भाई कार्यक्रम क्या होगा योजना बनाने के लिए। ठीक है, कि कार्यक्रम बनाओ कि कब कब कौन सी योजना, या फिर एक महीने में एक योजना लागू करनी है, पंद्रह दिन में एक योजना लागू करनी है, एक साल में करनी है, छः महीने में करनी है, या फिर कब योजना बंद करनी है और कब योजना चालू करनी है, इस सब की योजना होगी, कार्यक्रम होगा। ठीक है, इन सब का फिर आएगा उस कार्यक्रम में कार्य प्रणाली क्या होगी, कि कार्य प्रणाली कोई कार्य कैसे करेगा, कार्य प्रणाली बनाई जाएगी। ठीक, कि जो तीनों चीजें हैं इन तीनों चीजों को कौन कौन क्या क्या कार्य करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना वही बात कि अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को आप एचआर का काम उठा कर देते हो, भाई तुम एचआर देख लो। ठीक है, और सोचो भाई एचआर वाले की जो जॉब है उसको निकाल दो बाहर, कोई नहीं, एक ही बंदा देख लेगा, कोई जरूरत नहीं इसकी हमें, खाने का गवर्नमेंट पर लोड बढ़ रहा है। या फिर क्या करो कि अकाउंट, एचआर, एडमिन, ये सारे उठा करके बोलो किसको, एक कॉमन बंदा रख लो, बोलो ये फील्ड वाला जो ऑफिसर है ये सब कुछ देख लेगा, इसी को दे दो सारा सारा उठा करके। क्या होगा, कार्य प्रणाली बनेगी, नहीं बनेगी। तो क्या होगा, जिसका काम है उसी को देना पड़ेगा। तो कार्य प्रणाली, भाई अकाउंट डिपार्टमेंट वाला अपना देखेगा, एचआर अपना देखेगा, एडमिन वाला अपना देखेगा, सबको अलग अलग बांटो उनका। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा सूचना। सूचना, ये सूचना जो होगी, इन सबको करने के लिए सूचना इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या किया, काम दिया किसको, अधिकारी जो है, अधिकारी ने कर्मचारी को काम दे दिया। ठीक है, लेकिन काम करने की सूचना ही नहीं दी, समझ रहे हो कैसे। मान लो जो कार्य दिया करने के लिए, जो कार्य मिला उसका यही पता नहीं है कि समय कितना है। कर्मचारी ने क्या सोचा, ठीक है दिया है, करते रहेंगे आराम से, धीरे धीरे कर लेंगे। अब सात दिन अधिकारी ने अपने माइंड में रख लिया कि भाई सात दिन में तो हो जाना चाहिए, सेवन डेज में किस्सा खत्म। यहाँ पर तो इन्होंने शुरुआत ही नहीं की, आठ दिन निकल गए। ठीक है, कर्मचारी कितने निकल गए, आठ दिन निकल गए, एट डेज कंप्लीट, एट डेज कंप्लीट। इन्होंने शुरुआत ही नहीं की उस काम की। अब अधिकारी ने बुला लिया, हाँ भाई आ जाओ जल्दी से आ जाओ। बोला हाँ जी सर, बताइए नया काम है कोई। बोले नया काम बाद में, पहले पहले वाले काम के बारे में बताओ कितना हुआ। बोले सर अभी तो शुरू ही नहीं किया हो। बोला बड़े बेवकूफ़ आदमी यार, आठ दिन हो गए तुमने काम ही शुरू नहीं किया। बोले सर आपने थोड़ी बताया कब चाहिए आपको, ना आपने बताया कब तक के लिए गई है। बोले सर बराबर बराबर सूचना दोगे तभी तो काम बराबर मिलेगा। क्या हुआ, सूचना का अभाव। अब जहाँ सूचना का अभाव आपको देखने को मिला, वहाँ पर आपको समस्या किसमें आई, अपनी सारी नीति, योजनाएं, कार्यक्रम, कार्य प्रणाली, इन सबको लागू करने में। ठीक है, क्योंकि आप कोई अगर कार्यक्रम या फिर कोई स्कीम, कोई योजना लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सूचना। आप पहले सूचना दोगे कि भाई हम ये लागू करने वाले हैं, इस पर ये काम होना है, तभी तो आपके साथी जो हैं उस पर वो काम कर पाएंगे, वरना काम कैसे कर पाएंगे। तो ये है सूचनाओं का अधीनस्थों के लिए उपयोग, प्रभावी संचार कैसे होगा। ठीक है, तो अधीनस्थों के लिए बहुत उपयोगी है सूचना। ठीक, इसके बाद इसका अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। पांचवा आता है इसमें, कर्मचारी
कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के बीच में सीधा संवाद स्थापित करना, ठीक समझते हैं। देखिए, जहाँ कर्मचारी और प्रबंधक हो गए, प्रबंधक का मतलब वही है आप अधिकारी लगा दें, अधिकारी, ठीक। जहाँ ये होंगे दोनों, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में एक सीधा संबंध स्थापित होना चाहिए। अगर सोचिए ये दोनों मान लीजिए अधिकारी हैं, और अधिकारी क्या करता है, अपने बीच में कोई ब्रोकर या ट्रांसलेटर है, ठीक है, मध्यस्थ इंसान जो है मध्यस्थ उसको रख लेता है, और उसके बाद कर्मचारी हो गया, अब क्या होगा, कंडीशन कैसी बनेगी समझिए। अधिकारी ने कुछ काम बोला, ठीक है भाई ये काम करना है, इसके पास गया जो मध्यस्थ निभा रहा है ना, मिडल बात निभा रहा है। अब ये क्या करेगा, मान लो अधिकारी ने काम बोला भाई 7 दिन के अंदर ये काम करके लेकर के आओ, मुझे चाहिए, उनसे करवाओ जा करके, कर्मचारियों से। कर्मचारियों को तो काम के बारे में पता भी नहीं चला, मुसीबत हो गई। तो कर्मचारी जब काम के बारे में पता नहीं चला तो काम होगा कैसे, और यह इन्होंने क्या करा, 7 दिन का 15 दिन तक भी काम आगे भेजा ही नहीं कर्मचारियों के पास, रुका रहा बीच में। अब अधिकारी ने बोला भाई कर्मचारी को बुलाओ, बुलाया, काम हो गया, बोले जनाब कौन सा काम, बोले यार तुम्हें काम दिया था 15 दिन हो गए काम नहीं हुआ, बोलेगा सर मेरे पास काम आया हो तो दूँ ना, मतलब सर मेरे पास कोई काम नहीं आया। बीच वाले इंसान से पूछा भाई काम करवाने के लिए आपने बोला था आप करवा दोगे काम, जिम्मेदारी ली थी, कहाँ क्या हुआ काम का, बोलेगा सर भूल गया, बोला भूल गया तो काम रुक गया पूरा, भाई भूल कैसे गया, तो क्या बोलेगा वो कि सर सॉरी ध्यान रखूंगा। तो इससे क्या हुआ कि सूचना पूरी तरह से नहीं मिल पाई, ठीक, मतलब बात में क्लैरिटी नहीं हुई, काम पूरा नहीं हुआ, सफ़र करना पड़ा सभी को, काम में बाधा, रुकावटें, विभिन्न प्रकार की समस्याएं। और इससे सबसे बड़ी की बात क्या हुई, जो कर्मचारी है इसकी जो उत्पादक क्षमता है, ठीक, उत्पादक क्षमता है वो इफेक्ट हुई, उस पर असर पड़ा, उत्पादक क्षमता बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ी, ये नीचे की तरफ चली गई उल्टा, ठीक, नीचे चली गई उत्पादक क्षमता। तो ये सब क्रिया देखने को मिलेंगे इसमें। अब इसके विपरीत चलते हैं कि अगर ये चीज़ ना हो, ठीक है, अधिकारी है, अधिकारी सीधा संपर्क कर रहा है कौन, कर्मचारी, ठीक, कर्मचारी संपर्क कर रहा है अधिकारी सीधा, अब 7 दिन का टाइम दिया भाई, वही सेम टाइम मैं लेके चल रहा हूँ, 7 दिन में काम कर लाओ, कर्मचारी ने कहा सर लो 6 दिन में ही हो गया, 1 दिन तो मैंने सेव दे दिया आपको, बचा दिया। अधिकारी बड़ा खुश, भाई भा बहुत बढ़िया इंसान है, तुम्हारे प्रमोशन की पक्का बात करेंगे हम। तो काम हो गया, क्या किया, कैसे काम हुआ, कर्मचारी और प्रबंधक जो है उनके बीच में सीधा संवाद स्थापित हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कर्मचारी है उसकी जो उत्पादक क्षमता है, ठीक है, ये उत्पादक क्षमता बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक, बिल्कुल भी घटेगी नहीं, ऐसा बढ़ रही है, फिर ऐसे बढ़ेगी और ऐसे बढ़ेगी, ये देखिए बढ़ रही है ना, जैसे मोबाइल के नेटवर्क हो उस तरह से बढ़ती चली जाएगी, समझिए ना, आप मोबाइल के नेटवर्क डाउन हो जाते हैं तो कैसी हालत होती है आपकी, गाली देते छोड़ते, अरे एयरटेल वाले में तो आग लग गई, अरे आइडिया तो और बेकार है, ठीक है, जियो आजकल बड़े चल रहा है लेकिन जियो में भी ये प्रॉब्लम है सर, नहीं मज़ा आता, तो ऐसे आएगा, ठीक है, निकल करके। तो कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच में सीधा संवाद स्थापित करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इसका एक एडवांटेज है, लाभ है, किसके लिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के लिए। इससे क्या होगा कि उत्पादक क्षमता बढ़ती है, ठीक, और मैं बार बार इसको घरों पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप फोल इस तरह घरों पे भी अप्लाई कीजिए, तो वो सब छोड़िए, ठीक है, इतना मैं समझ में आ गया, ठीक है, वरना कभी कभी एग्जाम्पल दे दूंगा, कोई बात नहीं, खुश हो जाइएगा, ठीक।
अब इसमें हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कुछ कंडीशन कैसी कि अभी हमने देखा मध्य एक बंदा है, यहाँ पर बंदा नहीं है कोई भी, ठीक, बंदा नहीं है तो क्या उत्पादक क्षमता बढ़ रही है, कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, क्यों काम कर रहा है। अब सोचिए इसके विपरीत थोड़ी दिशा देख लेते हैं हम कि जो कर्मचारी है, जब कर्मचारी अपने ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए काम करके, ठीक है भाई काम किया तो रिपोर्ट भी तो देनी पड़ेगी कि हाँ सर ये काम हो गया। और यहाँ पर पहले ये देखो, ये पहले वाली कंडीशन है ना, यहाँ पर यही मिडल वाले बंदा काम कर दिया 7 दिन में ही बंदे ने, माना कि भाई जो अधिकारी है उसने जो मिडल आदमी, जो मिडल में आदमी है ना जो कॉन्टैक्ट कर रहा है उसको काम दिया एक कि भाई करा लो, उसने काम कराया 7 दिन में काम भी हो गया, उनने कर्मचारी ने वापस दे दिया कि लो जी मेरा काम तो ख़त्म। हालांकि कर्मचारी की तारीफ होनी चाहिए इसमें कि भाई उन्होंने 7 दिन में काम कर दिया, लेकिन हुआ क्या उसके साथ में, तारीफ ना करके भाई जो ये मिडल वाला आदमी इसने काम अधिकारी को बताया नहीं कि हो गया, रोक के रखा अपने पास, ठीक है, क्या फिर गायब भी कर दिया, ये भी रोकता है गायब कर दे, खो जाए, कभी कभी तो चाय कॉफ़ी पी रहे चाय कॉफ़ी गिर जाए उस पर, खाना खा रहे हैं टिश्यू पेपर तरह पोंछ के फेंक दिया फाइल को, क्या हो गया काम तो ख़त्म। अब क्या होगा यहाँ पे वाट किसकी लगी, कर्मचारी की, उसको तो खटिया खटी कर देगा, बॉस सामने आ जा यहाँ खड़ा हो जा, काम हुआ कैसे नहीं, सैलरी के लिए बड़ी जल्दी आ जाते हो, कट सैलरी गया इंसेंटिव, जाओ देख लो क्या दिखा दूंगा तुम्हें, डिमोशन प्रमोशन की तो बात भूल जाओ। तो क्या हुआ, किसी और की वजह से किसी और को भुगतना पड़ा, उत्पादक क्षमता फिर से इफेक्ट हो गई, ठीक। वो कहेगा सर मैंने तो काम करके दे दिया, किसको दिया सर, इनको दिया, इन्होंने दिया नहीं, वो झूठ बोल देगा मुझे दिया ही नहीं। क्या हुआ, आपका जो काम करने का जो समय था वो भी बर्बाद हुआ, ठीक है, आपकी एफर्ट बर्बाद हुई, फिर भी आपको मिला क्या, कुछ भी नहीं। तो ये है प्रॉब्लम, और इसका सोल्यूशन क्या है कि कर्मचारी और प्रबंधक जो है उनके बीच में अगर सीधा संवाद होगा तो ऐसी प्रॉब्लम कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके एडवांटेज खत्म हो गए, अब इसकी जो लिमिटेशन है सीमा है उनको डिस्कस करेंगे हम। देखिए इसमें क्या होता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, इसमें देखिए संचार की जो प्रक्रिया है, संचार की नीचे की ओर जो प्रक्रिया हो रही है, यानी कि डाउनवर्ड अपवर्ड से डाउनवर्ड जो हो रहा है, ठीक है, ये प्रक्रिया एक प्रकार से विलंब की प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक, एक विलंब की प्रक्रिया मानी जाती है। क्यों मानी जाती है समझिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक सबसे बड़ा एक ऑफिसर है, ठीक है, उसके नीचे क्या हो गया कुछ सीनियर ऐसे ऑफिसर कर, जूनियर ऑफिसर कर दीजिए, ये जूनियर ऑफिसर हो गए, उसके नीचे सब जूनियर ऑफिसर हो गए, ठीक है, सब जूनियर ऑफिसर, उसके नीचे आपके सीनियर क्लर्क हो गए, उसके नीचे आपके जूनियर क्लर्क हो गए, ऐसे ऐसे चेंज चली जाएगी, ठीक है, और जो चेंज चली जाएगी लास्ट में आपको किस पर आएगा, कर्मचारी पे, वर्कर पे। अब देखिए ऑफिसर कोई काम बोलेगा यहाँ पर आएगा, 2 दिन मान लिए लगेगा, एक मान लीजिए यहाँ पर 2 डेज लग गए, यहाँ से यहाँ पर आएगा और 2 डेज लग गए, फिर यहाँ आया और 2 डेज लग गए, ये और भी आलसी हैं 5 दिन लगा दिए सीधे ही काम ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, बोला अच्छा जी मैं और दिखाता हूँ तुम्हें, समझ लिया वर्कर के पास आते आते 10 दिन तो हो ही जाते हैं, ठीक 10 दिन हो गए, 10 डेज। अब क्या होगा, वर्कर को बोला भाई ऐसा है फटाफट काम निपटा कर दो, अच्छा बोला जी ऐसा है काम तो मैं निपटा दूँ लेकिन काम होने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, बोले मान के चलो 15 दिन। अब देखो 15 दिन काम होने में, इनको काउंट करो 2, 4, 6, 11, 10 कितने हो गए, 21 दिन तो यहाँ लग गए, ठीक 15 दिन मान लिए वर्कर ने, ठीक है। अब भाई जब वापस जाएगा ये काम भी तो ही जाएगा इस गति से ही, ठीक है, वापस गया क्योंकि प्रोसेस तो फिर से वही होगा, इतने दिन फिर इतने दिन ऐसे ऐसे करके जाएगा
इनके पास तक, अब कितना हो गया, फिर से 21 दिन जोड़ दो उसमें, काउंट कर लो भी कितना हो गया। मैथ किसके अच्छे, मेरे इतने अच्छे नहीं है, 7 5 कितना देना, 57 डेज। मतलब जो काम कितने दिन मांगे थे, 15 दिन, जिस काम को 15 दिन मांगे वर्कर ने, उस काम को करने में टोटल समय कितना लग गया, 57 डेज। यही है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसों की प्रॉब्लम, ठीक है। प्राइवेट में ऐसा होता है फटाफट काम क्यों होता है प्राइवेट में, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती विलंब वाली, वहाँ होता है तुरंत के तुरंत करो। वहाँ क्या होता था, तब तक ईमेल करना है। अब सोचो एक ऑफिस में, ठीक है, एक ऑफिस है, इसमें 20 इम्प्लॉई हैं, और मैं बोलूँ 20 इम्प्लॉई को लेटर भेजो अलग अलग लिख करके, सूचना का लेटर, क्या होगा, आपको एक लेटर लिखने में 5 मिनट लग रहा है, सॉरी 5 मिनट लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। अब उस 5 मिनट के समय को आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20, जो भी समय रिक्वायर्ड आएगा वो आंसर हो जाएगा। वो आंसर थोड़ी निकालना है, यहाँ पर समय बता दिया हमने कि सर एक लेटर को टाइप करने में 5 मिनट लग रहा है, समझ लीजिए 20 को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। बोला कुछ नहीं पता मुझे, करो, भेजना है तो भेजना है, इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, रूल है भेजने पड़ेंगे, तो अच्छा। अब सोचो उसने क्या किया, स्मार्ट वर्क, ऑफिस में फिर से वही 20 एम्प्लॉई हैं, उसने एक लेटर टाइप किया, वो दो फॉर्मेट अपना सकता है, एक लेटर टाइप किया उसका प्रिंट आउट लेगा सबको बांटता फिरेगा, उससे अच्छा क्या है, उस लेटर को ईमेल पर अटैच करेगा, ठीक, ईमेल पर अटैच करके सबको सेंड, सेंड टू ऑल, एक ही टाइम रिक्वायर्ड हुआ, टाइप करने का लेटर का टाइम 5 मिनट, ईमेल करने का सबको अटैच करने का टाइम ज़्यादा 2 मिनट, 5 मिनट फिर भी मान लो 10 मिनट, सबके पास सूचना पहुंच गई, हमेशा रहेगी रिटर्न में, कोई उसको फाड़ कर भी नहीं फेंकेगा। बहुत से एम्प्लॉय ऐसे भी सकते हैं ना कि बोल रहे हैं भाई 20 एम्प्लॉई हैं, अब जो सूचना दे रहा है, मतलब जिसको दिया गया एक काम, 20 में से एक एम्प्लॉय ऐसे भी होगा ना जिसको काम दिया गया है कि जाओ तुम ये सूचना सबको दोगे, अब ऐसा तो नहीं है उसकी 20 के 20 बंदे सब बनती होगी, मान लो 20 में से 2 बंदे ऐसे जिससे उसकी बनती नहीं है, वो उसे फूटी आँख नहीं बात है भाई, गुस्सा आता, लड़ाई होती दोनों की, काम नहीं करते ठीक से, क्या होगा, वो इन दोनों को सूचना ही नहीं देगा, फाड़ का फायदा कि इनको सूचना ही नहीं मिली, ये क्या हो गया, सूचना से वंचित रह गए। फिर जो नए नियम लागू होने वाले थे क्या वो लागू हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्या इनको नए काम के बारे में पता लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि एक जो बंदा था जिनकी इन दोनों से नहीं बनती थी, क्या वो पर्सनल लाइफ को लेकर ना बनती हो, लेकिन उसने प्रोफेशनल लाइफ में भी वो बदला निकाल लिया, उससे क्या हुआ, काम में विलंब हुआ, ठीक है, और काम में जो विलंब की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया की वजह से दिक्कत आती है कम्युनिकेशन में, ठीक। तो ये है आपका विलंब का प्रोसेस, सेकंड समझेंगे इसमें हम लोग। अगला जो है पॉइंट वो है इसमें अल्प या अधिसंचार, ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, जो अधिकारी है आपका वो कोई सूचना जारी करता है, ठीक है, अधिकारी ने क्या किया, सूचना जारी किया, सूचना जारी की, अभी सूचना के आधार पे वो क्या कर रहा है, सभी को सूचना देना चाह रहा है, लेकिन उसने जो सूचना है उसको पूर्ण सूचना नहीं दी, यानी कि पूर्ण रूप से सूचना का अभाव है यहाँ पर, ठीक है, ये जो अभाव आ गया, यानी कि पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई, उसने क्या सोचा, अधिकारी ने सोचा कि सूचना जो होगी वो स्वाभाविक होगी, ठीक है, या फिर इसको परंपरागत भी आप बोल सकते हैं,
ठीक, सूचना स्वाभाविक होगी, परंपरागत होगी, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर सिंपल वे में कहें तो अधिकारी ने अपने माइंड से ही सोच लिया कि जो सूचना देना चाह रहे हैं, ठीक है, चार पांच, मतलब उसको पता है कि उसको तकरीबन 15 सूचना जारी करनी है, ठीक है, उसमें से उसने क्या किया, 10 सूचना जारी कर दी, ठीक, 10 सूचना जारी कर दी, 5 उसने दी नहीं, बैलेंस बचे कितना, 5, इन 5 का क्या होगा, उन्होंने सोचा स्वाभाविक रूप से पता है लोगों को क्या करना चाहिए। अब स्वाभाविक रूप से क्या पता होगा लोगों को कि उसके मन में क्या चल रहा है, भाई अधिकारी जो उसके मन में क्या चल रहा है हम क्या जाने, ठीक, ये वाली कंडीशन हो गई कि आपको किसी ने फ़ोन किया, ठीक है, उसने बोला कि भाई आप कहाँ हो, वो बोलेगा भाई समझ जाओ मैं कहाँ हूँ, ये बोलते समझ जाओ मैं कहाँ हूँ, बोलेगा भाई फ़ोन पे कैसे समझ जाऊँ, बोले मेरी आवाज़ सुनकर नहीं समझ में आ रहे, नहीं यार नहीं समझ में आ रहा, बोला यार बड़े अजीब आदमी हो, कब से जानते हो मुझे, बोला 5 साल जानता हूँ, इतना नहीं समझ पाया मैं कहाँ रहता हूँ किस टाइम पर, वो बोलेगा भैया ऐसा है माफ़ कर मुझे, मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो किस टाइम पर, ए यार तेरी भाभी को शॉपिंग कर लाया हूँ पागल, बोले ऑफिस टाइम पर, बोले यही तो खासियत है हमारी, तो क्या हुआ, पूरी तरफ से आपको सूचना नहीं थी तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक, आपको जिस चीज़ के बारे में पता होगा आप उसी सूचना का अंदाजा लगा सकते हो। अगर सोचो सूचना आधी अधूरी जानकारी आपको दी जा रही है अधिकारी द्वारा और आपसे वो उम्मीद करे कि आप पूरा काम करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा कि आप पूरा काम कर पाएंगे, दे पाएंगे उनको पूरा काम निपटा करके कि हम पूरा काम कर देंगे, इसमें क्या होगा कि जो सूचना का अभाव है पूर्ण रूप से उसके द्वारा जो आपका कार्य है कार्य पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उत्पादन क्षमता जो है कार्य की वो फिर से डाउन हो जाएगी और इसका जिम्मेदार आपको ठहरा जाएगा, क्यों, आप जाके अपने अधिकारी से कहोगे कि सर हमको सूचनाएं पूरी नहीं दी, ठीक है, मान लीजिए अधिकारी ने सूचना तो पूरी दी लेकिन उसके जो नीचे का बंदा है, ठीक है, जो भी अधिकारी है जो मध्य बंदा है उसने क्या किया, उसने ही आपको सूचना पूरी नहीं दी, अब इसने आपको सूचना पूरी नहीं दी बचा कर रख ली कि छोड़ो इतने में काम हो जाएगा, मैं कौन इतनी मेहनत करे तो पागल है, फिर भी डांट खाने लोगों को, हालांकि आप डांट खाने वाला काम नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी डांट खानी है, या फिर वही पहले वाली कंडीशन ले लो कि आप वो किसी से कलस्ता होगा जलता होगा, ठीक है, उसकी वजह से उसने उसको सूचना नहीं दी पूरी, तब क्या होगा, आपने काम किया अधिकारी के पास, क्या अधिकारी ने बुला लिया, बुलवाओ उसको आ जाओ भी सामने, वो बड़े आराम जाएगा, हाँ जी मैं तो काम अच्छा कर लाया, बोले सूचना तो ये दी थी बेवकूफ तूने काम उल्टा कर दिया काम खराब कर दिया, वो बोलेगा सर आपने जो सूचना मुझे दी थी जो सर ने दी थी सूचना मेरे को तो उसी पे काम किया मैंने, अब वो पलट गया, नहीं भाई सूचना तो पूरी थी आपके पास, बोला नहीं सर मेरे पास तो ये सूचना थी, तब क्या होगा, काम तो हो गया खराब, ठीक है, आपकी उत्पादन क्षमता खराब हो गई, हालांकि उसको डांट पड़े ना पड़े वो अलग मैटर है, वो सॉरी बोल के निकल जाएगा लेकिन आपकी तो वाट लग गई, तो अल्प सूचना जिसको हम बोलते हैं अधिसंचार, अब यहाँ पे क्या होगा, अल्प सूचना मान लीजिए आप कोई न्यूज़ देख रहे हो, ठीक, आप न्यूज़ सुनते जा रहे हो अचानक से टीवी का कनेक्शन खराब हो गया, आपकी न्यूज़ बेकार हो गई, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आपकी न्यूज़ फिर से कंटिन्यू हो गई, इसके बीच में जो गैप बन गया आपके दिमाग में चलता रहेगा क्या, अरे यार उस टाइम पे क्या हुआ होगा, अब आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई समाचार सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, ठीक है, अगर किसी में गैप आ जाए, कभी कभी क्या होता है आप इंटरनेट पे लगे हुए हो, यूट्यूब पे आपका इंटरनेट काम करना बंद कर दो, ऐसे गोल 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 घूमेगा, फिर आप क्या कहोगे, अरे यार चल जाना आगे क्या होने वाला है जल्दी देखने दे, तो ऐसे क्या होता है आपके अंदर से एक भड़ास से निकलती है कि यार, और आप क्या करते हो, या तो वाईफाई वाले को गाली देना शुरू कर दोगे या फिर अपना जो भी नेटवर्क है उसको, कभी कभी अपने मोबाइल को भी कोसता है, बहुत हैंग करता है यार ये, ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जब चीज़ें अधूरी होती तो ऐसी कंडीशनें बन जाती हैं और अधूरा ज्ञान ही, अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ अल्प या अधिसंचार, अधिकारी ने कम जानकारी दी, खत्म कर दिया मैंने इतना बोल करके, आप बोलोगे भाई क्या कम जानकारी दी, इसका मतलब क्या है, मैंने भी तो आपको कम जानकारी दी, जब मैंने आपको पूरी जानकारी नहीं दी तो आप समझो कैसे चीज़ को, ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ यानी कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, संचार का माध्यम पूरा बना रहा हूँ, जिसके बाद में आप ये ना बोलो कल कोट करके कमेंट सेक्शन में कि सर आपने जानकारी अधूरी दे दी, समझाया ही नहीं कि अल्प
या फिर अधिसंचार है क्या? आपने समझ जा दिया सर कि जानकारी अधूरी देना, किसको अधूरी देना, कैसे देना, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब आपने समझाया ही नहीं सर। मजा नहीं आया, ये होगा ना अधूरी जानकारी, मजा ही नहीं आता भाई। जैसे अधूरा ज्ञान खतरनाक है, वैसे ही अधूरी जानकारी भी खतरनाक है। तो उस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो सीमा है लिमिटेशन में, यह अच्छा पॉइंट है इसमें, अल्प या अधिसंचार। ठीक है, चलो अगले पर डिस्कस करते थोड़ी देर बाद में।